है, तो मतलब अच्छे के लिए है लेकिन उससे एक्सपीरियंस थोड़ा बियर्ड आता है। अबे यार क्या हो गया इसको भाई, भैया अच्छा तो जनाब आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फुलफिलमेंट फ्रॉम वेबहुक। ये जो हमारा लास्ट वाला है ना, ये वाला आज हम सीखने जा रहे हैं कि फुलफिलमेंट फ्रॉम वेबहुक करके भी बोल सकते हैं आप उसको। अच्छा लास्ट हमने बना लिया था होटल बुकिंग का एक चैट बॉट और हमने उसको गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट करके देख लिया था और हमने एक वेबहुक की लाइब्रेरी भी उसमें लगा ली थी जो स्पेसिफिकली गूगल असिस्टेंट के लिए बनाई है, एक्शंस ऑन गूगल नाम है उसका, तो वो स्पेसिफिकली हमने उसमें लगा ली थी। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब इसी चैटबॉट के अंदर तो मतलब हम एक्शन ऑन एक्शन, जी बोलें। सो हम अभी एक्शन ऑन गूगल की फुल वेबहुक सीख रहे हैं, सही बात? हम हाँ अच्छा लाइब्रेरी एक्शन दोनों ऑन दोनों गूगल सही है। का वेबहुक फुलफिलमेंट सीख रहे हैं अभी। नहीं शायद मैंने ये कन्फ्यूजन कर दी। असल में जो कल हमने चीज़ की थी ना वो अरे यार वो कल हमने जो चीज़ की थी वो भी कंप्लीट कहाँ की थी हमने, ज़रा कोड तो देखे ना कहाँ तक पहुँचा था, वो भी तो कंप्लीट नहीं की थी। मैं आगे टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, बताओ ज़रा कल हमने क्या कर लिया था। ओके गॉट इट। हाँ ये हमने कहाँ कंप्लीट किया था, ये कॉन्वो डॉट आस्क वगैरह, ये तो हमने रिच रिस्पॉन्सेज। कल मैंने शायद क्लास से जाते हुए कुछ बोला था कि दो चीज़ें हम कल कवर करेंगे, और क्या क्या बोला था मैंने, एक तो रिच रिस्पॉन्सेज इसके और दूसरा हाँ इसमें पैरामीटर्स कलेक्ट करना भी नहीं देखा था हमने कि इस लाइब्रेरी में पैरामीटर कैसे कलेक्ट होते हैं। वेल अभी हम एक हम इसमें रिच रिस्पॉन्सेज आज एक्सप्लोर करने वाले थे। हाँ हाँ एग्जैक्टली तो हम ना अभी एक काम करते हैं, हम ये होटल हमने बुकिंग एक्शन का, ऑन गूगल को अब तक देखा ही नहीं। हाँ हम ये होटल बुकिंग का ही बनाते हैं और इसी में हम ना इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है बुक रूम मैंने बना दिया और ट्रेनिंग फ्रेजेस में बंदा क्या आपकी बोलेगा, आवाज कट के आ रही है। हेलो 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 ये चिड़िंग चिड़िंग क्या हो रहा है। जी अच्छा अभी मेरी आवाज़ कुछ बेहतर है। सलील अभी मेरी आवाज़ कुछ बेहतर है। आपकी वीडियो लैग हो रही है लेकिन आवाज आ रही है प्लीज। यार आई थिंक मुझे ना अपने बाकी किसी को सेम मसला आ रहा है या सिर्फ ये मुझे आ रहा है? हाँ जी प्लीज़ बाकी लोग भी कंफर्म कीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग ना एक्शन लूँ यहाँ पे इसका वैसे मैंने जुगाड़ पूरा किया हुआ है, बहुत ही आसान मेरे पास हल है और मैं करूँगा ये कि जितने भी घर में वाईफाई है सबको डिस्कनेक्ट मार दूँगा 2 मिनट में। ये मैं गया डब्ल्यू लैन और डब्ल्यू लैन जाने के बाद मैंने कहा कि भाई ये वाला जो है ना इसको आप क्या कर दो, डिसेबल कर दो, और ये वाला जो है इसको भी क्या कर दो, डिसेबल कर दो और अप्लाई कर दो। सही है तो मेरा नेट चलेगा बाकी सबका क्या हो जाएगा बंद।
हाँ तो भाइयों मैं वापस आ चुका हूँ और मैंने घर में सारे लोगों का इंटरनेट बंद कर दिया है, अभी सिर्फ मेरा इंटरनेट चलेगा। सही है, सारी ऐसे से माफी। हाँ ये मैंने SSID ना अलग अलग बनाई हुई है, तो ये सिक्योर वाला जो है ना, ये इस पर सिर्फ मेरी डिवाइसेस होती हैं। चलो भाई और हमने एक्शंस ऑन गूगल कल नहीं देखा था, हम उसके रिच रिस्पॉन्सेस तो देखने वाले हैं। हम पहले तो एक्शंस ऑन गूगल को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आज मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही की क्लास में हम ये जो फुलफिलमेंट फ्रॉम वेबहुक है इसको भी थोड़ा सा हम देखें। ये समथिंग लाइक इलिसिट स्लॉट जो हम अलेक्सा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बंदा एक पैरामीटर देगा वो डायरेक्ट सर्वर पे लेकर जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा रिस्पांस ना। तो हम मिसाल के तौर पे बंदे ने अगर बोला यार मुझे डीलक्स रूम चाहिए, तो डीलक्स रूम अवेलेबल है या नहीं है वो मैं डेटाबेस से चेक करके उसको वहीं पे बोल सकता हूँ कि नहीं भाई डीलक्स रूम तो नहीं है। सही है ना, बजाय इसके कि मैं सारी बातें उससे पूछूँ कि कितने बंदे हो, कब आओगे, चेक इन चेक आउट पूरा पूछने के बाद मैं उसको बताऊँ, मैं उसी वक्त फ़ौरन ही उसको बता दूँ। तो ये वो वाली चीज़ है। वेल हम पहले तो ये इंटेंट प्रॉपर बनाते हैं जिसमें हम जो एक्शंस ऑन गूगल की लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद आज की क्लास में मेरी कोशिश होगी कि हम ये वाली भी चीज़ कवर कर लें। सही। ओके, डू यू हैव अ रूम, आई वांट टू बुक होटल। ओके अभी ये तीन काफ़ी हैं, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। ओके स्क्रीन शेयर मैंने भी। ओके माई बैड, जस्ट वॉक अस थ्रू वॉट एवर। अच्छा अच्छा तो मैंने नाम सेट कर दिया, मैंने ट्रेनिंग फ्रेजेस डाल दिए। अच्छा अब मुझे कुछ पैरामीटर्स चाहिए, अभी कुछ पैरामीटर्स में मुझे चाहिए वी आर टू पीपल। सही है, या नंबर ऑफ गेस्ट भी बोल सकता हूँ इसको मैं। ठीक है नंबर ऑफ गेस्ट मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ पे जस्ट। सही। ओके अभी कितने रूम बुक करने हैं ये भी पूछना है, बल्कि मेरे ख्याल कितने रूम नहीं, एक ही रूम बुक करता है बंदा आमतौर पे, बंदे दो होते हैं या एक होता है इस तरह होता है, या चार बंदे होते हैं तो वो चार बंदों की बुकिंग हो जाती है, फिर जब जाते हैं आप तो आपको पता चलता है अच्छा यार चार बंदे हैं तो चलो आस पड़ोस का कोई दो रूम खाली है तो वहाँ पर कर दो। और इसमें क्या क्वेश्चन ज़रूरी है, हाँ रूम टाइप, वुड लाइक टू बुक VIP रूम। अभी VIP इसको पता नहीं है, तो अभी ये VIP जाके मुझे कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एंटिटीज के अंदर, और मैंने कहा क्रिएट एंटिटी, मैंने कहा भाई VIP, और VIP में डीलक्स भी हो सकता है, लग्जरी भी हो सकता है, और LUXURY। अच्छा अभी मुझे और रेगुलर STANDARD स्टैंडर्ड और नॉर्मल। अच्छा उसके बाद इकोनॉमी लगा देते हैं, बजट इकोनॉमी। बजट में टी होता है डी होता है, टी होता है, टी होता है। और लो भी चलो कर देते हैं। सही है। ओके रूम टाइप सेव, अभी मैंने रूम टाइप यहाँ पे बना दिया, वापस जाता हूँ एंटिटी में, वापस जाता हूँ बुक रूम में, और अब मैं बोलता हूँ ये VIP जो है क्या है, ये मेरे पास रूम टाइप है। ठीक है जी, अपने रूम टाइप पूछ लिया,
अब मैं इससे चेक इन चेक आउट पूछ लेता हूँ आई थिंक। सही, आई एम कमिंग टुमारो। सही है, डेट टाइम आ गया टुमारो। और कितने दिनों के लिए आ रहा है बंदा वो भी पूछना चाहिए आई थिंक। फॉर 3 nights। अच्छा नंबर तो एक था ना मेरे पास, अभी मुझे ये चाहिए, इसको मुझे करना है दूसरा नंबर। अब इसको मुझे करना है, इसको मैं डिलीट मारूंगा यहाँ से और इस 3 को दोबारा से सेलेक्ट करके मैं बोलूँगा क्या है भाई ये नंबर है। ठीक है, नंबर इंटीजर नंबर चाहिए क्योंकि मुझे इस पॉइंट पर। अच्छा यहाँ पे भी मुझे इंटीजर ही चाहिए था नंबर ऑफ गेस्ट में ना, ये सिस्टम डॉट नंबर नहीं चाहिए था मुझे इंटीजर, क्योंकि सिस्टम डॉट नंबर में ना पॉइंट वाले भी उठा लेता ये। अच्छा, सो सिस्टम डॉट नंबर इज कैन बी अ डेसिमल फ्लोटिंग नंबर। तो मुझे इंटीजर चाहिए नंबर ऑफ गेस्ट में भी और नंबर ऑफ नाइट्स में भी। तो अगर मैं फोन नंबर ले रहा हूँ तो सिस्टम फोन नंबर करके कुछ है क्या इनका? हाँ एक मिनट, अभी हम देखते हैं उसके लिए क्या है। सही, नंबर ऑफ नाइट्स कह दिया हमने इसको। अच्छा अब मैं आता हूँ यहाँ पे और फोन नंबर के लिए हाँ अलग से बनाया हुआ है इन्होंने, और ईमेल के लिए भी। हाँ ईमेल के लिए भी मौजूद है, ईमेल भी है हाँ। एज है, कार्डिनल्स है, डेट है। अच्छा ये इन्होंने भी ना बहुत सारी नई, जैसे यूआरएल ये पहले नहीं था ना, ये यूआरएल वाला जो था। अच्छा, क्योंकि अभी मुझे याद है वो जो हमजा एक सवाल पूछ रहे थे कि अगर किसी का ये लेना चाह रहे थे क्या रेज्यूमे, तो रेज्यूमे कैसे लेंगे, तो मैं अपना लिंक्डइन का यूआरएल भेज सकता हूं या वेबसाइट का आपको। अच्छा नेम में इनके पास है, लास्ट नेम है और एक इनके पास गिवन नेम होगा। तो इस इज नॉट पर्सन क्या है? हाँ ये पर्सन भी इन्होंने नया ऐड किया है, ये मैं भी भूल गया हूँ क्या होता है पर्सन। वेल इनका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्होंने सारी एंटिटीज को डिफाइन किया हुआ है। सिस्टम एंटिटीज का डॉक्यूमेंट है ना, वहाँ पे हम जाके ऐसे देख सकते हैं कि किस चीज़ में क्या क्या ले रहा है ये। तो अभी डेट एंड टाइम जो है, जो सिस डॉट डेट है, ये मैचेस अ डेट इफ देयर इज एम्बिग्युइटी यूज़र एंड ड्यूड, पता नहीं क्या है। बहरहाल आई एस ओ स्ट्रिंग में आपको ये दे रहा होता है डेटा। ठीक है, और डेट पीरियड, हाँ अभी पीरियड, ओके गॉट इट, हमें डेट पीरियड चाहिए। मैचेज अ डेट इंटरवेल। अच्छा ये हमें ऑब्जेक्ट देता है आई एस ओ इन 86001 फॉर्मेट। ये तो वही वाला है जो अलेक्सा वाला दे रहा था हमें, है ना? अच्छा ये है डेट पीरियड, ये है टाइम पीरियड, ये भी उसी में ही दे रहा है। वेल अभी हम अपॉइंटमेंट चाहिए होती, हाँ अभी हम आई थिंक नंबर ऑफ नाइट्स ही लेते हैं। ठीक है अभी वो, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था लास्ट ना, नंबर ऑफ नाइट में मुझे पता होगा यार 3 नाइट्स है, बस सिंपल रहेगा ये थोड़ा। फेर अभी वो पर्सन देखते हैं हम जो आप, क्योंकि पर्सन मैंने भी जो है ना देखा नहीं अभी तक, भूल गया हूँ आई थिंक देखा था मैंने। हाँ चलो ये रहा पर्सन। मैचेस अ कॉमन गिवन नेम, ओके। अच्छा ये ऑब्जेक्ट देगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग करके देगा। टू मैच एडिशनल नेम्स एक्सटेंड एंटिटी टूवर्ड्स एंड यूजर कॉन्टेक्ट लिस्ट यूजर सेशन एंटिटी। मैचेस कॉमन गिवन नेम लास्ट नेम और देयर कॉम्बिनेशंस। ऑप्शन मैचेस अनकॉमन नेम्स। अच्छा ये कॉमन नेम्स को मैच करता है, अनकॉमन के लिए कह रहा है ये वाले ऑप्शंस हैं, इनको देख लो। सही, तो अभी बंदे ने फर्स्ट नेम बोला है तो फर्स्ट नेम देगा। हाँ यार ये सिस्टम डॉट एनी तो हटा दिया था इन्होंने यार। हाँ मुझे याद है आपने बताया था ये स्पेसिफिकली, मुझे याद है। हाँ बस यार ये कुछ है सीन इनके। एक मिनट, ये ऊपर नो किस चीज के बारे में लिखा है? ये जेनेरिक सिस्टम, ये एक्सटेंडेबल, एक्सटेंडेबल है कि नहीं है, मतलब किस चीज से एक्सटेंड करते हैं? यानी एक्सटेंडेबल का मतलब ये है कि भाई अभी जैसे नाम है ना गिवन नेम है, तो अभी कुछ गिवन नेम अगर उसमें नहीं है तो मैं उसमें ऐड कर देता हूँ,
मैं बोलूँगा चलो यार अभी ये भी गिवन नेम ले लो, जैसे अच्छा। लास्ट नेम है ना इसमें यस लिखा हुआ है, गिवन नेम है इसमें यस लिखा हुआ है। अभी जैसे मलिक है ना, ये इसको पकड़ लेता है क्योंकि मलिक इंग्लिश नेम भी है, लेकिन कुछ जैसे मुश्किल नाम होते हैं ना इश्तियाक वगैरह, उसको ये नहीं पकड़ता, इंग्लिश नाम नहीं पकड़ता। कोई अरबिक नेम्स होते हैं तो जैसे जोहा, दुआ, मरियम, ये नाम ना मसले करता है ये। तो अभी वो यस, सॉरी ये ऐड कैसे कर सकते हैं फिर हम यहाँ पे ना एंटिटी में जाके ऑप्शन होता है इनके पास। अरे मैंने गड़बड़ कर दी शायद, अच्छा सिस्टम एंटिटी को आप यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हो। हाँ क्या बात है, इनसे मैंने कहा कि गिवन नेम ना डॉट पर्सन, नहीं, अच्छा वो ऐसे नहीं करूँगा मैं, मुझे पहले उसको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों ही आ रहे हैं जो यूज़ हुए हैं, उसके अलावा यहाँ पे आ नहीं रहा। तो मैं यूज़ करूँगा मैं, फिर इसके अंदर जाऊँगा मैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दूँगा सारी वैल्यूज़। अच्छा वो एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा एक इसमें ना डिसेबल हुआ हुआ आ रहा है, डिसेबल का मतलब है नहीं ये एक्सटेंड नहीं हो सकता डेट एंड टाइम। अच्छा अच्छा नहीं वो तो लाजमी बात है, डेट एंड टाइम को आप एक्सटेंड भी कैसे करोगे। हाँ ऑब्वियस बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा ये हो गया भाई। अच्छा ये अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है ना सपोर्टेड, उनकी भी अब यहाँ पे बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँगा कि यार मुझे चाइनीज़ में चाहिए, तो जितनी जितनी फैसिलिटीज़ इंग्लिश वाले में मौजूद है उतनी चाइनीज़ वाले में नहीं है। सही ठीक है। तो ये अबे मैंने चाइनीज़ बोला था सिर्फ, लैंग्वेज मैंने कहा भाई मुझे डैनिश दो सिर्फ लाके। अच्छा ये पता नहीं काम नहीं कर रहा शायद। नहीं डेनिश में इंग्लिश भी होगा क्योंकि इंग्लिश सब जगह पे, मेरे ख्याल से ग्लोबली इंग्लिश सब जगह पे अवेलेबल है, और इंग्लिश के अलावा फिर आप कौन सा चाहते हैं? फिल्टर इसका अच्छा, काम नहीं कर रहा। हाँ फिल्टर काम नहीं कर रहा, आप सही कह रहे हैं। वेल ये काफ़ी डेफिनेटिव गाइड है, इसके अंदर सभी कुछ है, डच वच जिस लैंग्वेज में जो जो एंटिटी अवेलेबल है ना, जैसे अभी ये जियो कंट्री है ये डच में भी अवेलेबल है। अभी ये अगर जियो कंट्री यूज़ करना है हमें अरबिक में, अरबिक तो खैर अभी तक सपोर्ट ही नहीं आई, तो वो हमें देखना पड़ेगा भाई उस लैंग्वेज में कौन कौन से वाले हैं। सही सही। अच्छा तो मैंने बना दिया भाई रूम टाइप। अब मैं आ जाता हूँ अपने वापस बुक रूम में, और बुक रूम में आने के बाद मैंने कहा नंबर ऑफ़ गेस्ट मुझे बता दो, रूम टाइप बता दो। आई थिंक रूम टाइप को मुझे टॉप पे रखना चाहिए, रूम टाइप मैं पहले पूछूंगा, नंबर ऑफ़ गेस्ट उसके बाद, और फिर अभी कब आ रहे हो आप वो पूछूंगा, और फिर कितने दिनों के लिए आ रहे हो वो पूछूंगा, या कितनी रातों के लिए आ रहे हो। ठीक हो गया भाई। अच्छा अब यहाँ पर आके मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं बताऊँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा Something went wrong. सही है। यहाँ पे एक और एंटिटी ऐड कर ले, पैरामीटर ये पर्सन नेम, तो मतलब वो टेस्ट कर पाएगा। यस माई नेम इज मलिक। अच्छा नाम शायद मुझे पहले सबसे टॉप पे पूछना चाहिए या मुझे लास्ट में, लास्ट में पूछ सकते हैं क्योंकि दैट इज लाइक फाइनलाइजिंग योर ये ना लाइक बुकिंग। सो व्हाट टाइप ऑफ रूम, हाउ मेनी गेस्ट्स, फॉर व्हाट डेट, और अदर फॉर हाउ मेनी नाइट्स, एंड देन लाइक व्हाट अंडर व्हाट नेम डू यू वांट द बुकिंग राइट। एंड ये ऑर्डर डिफाइन करता है कि कौन से ऑर्डर में सवाल पूछे जाते हैं। मेरा ख्याल है नाम शायद पहले रखना चाहिए हमें, क्योंकि हम फिर मुखातिब कर पाएंगे ना, हम ऐसे बोलेंगे डियर मलिक व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक। शायद अब माय क्वेश्चन इज ये ऑर्डर डिफाइन करता है कि कौन से ऑर्डर में वो सवाल पूछे जाएंगे। नहीं ऑर्डर नहीं डिफाइन करता, ये डिफॉल्ट ऑर्डर है ये। अगर बंदा पहले आके टाइम और डेट बोल देता तो वो ले लेगा, बना नहीं करेगा। हाँ हाँ लेकिन अगर कुछ मतलब सिर्फ ऑटोमेटिक अगर बात शुरू हुई तो इस ये उसका हैप्पी पाथ है।
ये उसका पाथ है अगर मैं यहाँ से फ्रंट एंड से ले रहा हूँ तो ठीक है। अगर तो मैं अभी बल्कि हमने वो वेबहुक से लेना नहीं सीखा ना इनपुट, तो ये फ्रंट एंड में इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा आके बोलता है कि आई वांट टू बुक होटल और मैंने इस पर सब पे चेक लगाया हुआ है रिक्वायर्ड, सही है, और यहाँ पे सारे डिफाइन प्रॉम्प्ट करूँगा मैं सब पे, तो वो इस सीक्वेंस में पूछना शुरू करेगा। या अगर बंदे ने आके बोल दिया हे माय नेम इज़ मलिक आई वांटेड टू बुक अ रूम, तो उसको पहला वाला मेल गया, अब वो सेकंड से शुरू करेगा, ठीक है। या अगर पहली दफ़ा में आके कोई बोलता है कि हे वी आर थ्री पीपल डू यू हैव अ रूम फॉर अस, तो अभी उसको नंबर ऑफ गेस्ट मेल गया, अभी वो नाम पूछेगा, रूम टाइप पूछेगा, फिर वो डायरेक्ट डेट एंड टाइम पर जाएगा। समझ। अच्छा, तो अभी मैं इसके लिए प्रॉम्प्ट डिफाइन कर देता हूँ। हे व्हाट इज योर गुड नेम, line one, name wise. मुखातिब करने को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में? मुखातिब का मतलब यानी जैसे मैं बोलूँ मुखातिब करने के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मुखातिब का मतलब नहीं समझ में आ रहा, जैसे और जैसे मतलब अभी इंग्लिश में ही तो भूल गया हूँ इसको क्या बोलते हैं। नहीं, लेकिन उर्दू में कोई और लफ्ज इस्तेमाल करें। जैसे अभी हम कॉल, जब भी हम कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं ना, तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि ठीक है भाई अभी आपका मुखातिब मतलब इंट्रोडक्शन, यानी आपको बुलाने के लिए, ऐसे ऐसे बोलने के लिए कि यार। अच्छा अच्छा, एड्रेस करने के लिए, आपको एड्रेस करने। हाँ, यस यस यस, एड्रेस। तो उसको कैसे बोलेंगे? एड्रेस, यू नो, प्लीज टेल मी योर नेम, लाइक कैन आई हैव योर नेम टू एड्रेस यू, ऐसे बोलेंगे सही? नहीं, कैन आई हैव योर नेम पास, कैन आई हैव योर नेम प्लीज, ये लाइक। सो इसेंशियली एड्रेस तब इस्तेमाल किया जाता है, यू नो, लाइक दैट लेटर वाज एड्रेस्ड टू द क्वीन, और यू नो, लाइक दैट लेटर वाज एड्रेस्ड टू द हेड मास्टर, यू नो, लाइक दैट्स द वे द वर्ड एड्रेस इज यूज्ड। मैं जरा गूगल से भी पूछता हूँ। हाँ, उर्दू टू ये करना, मुखातिब। अबे ये भी एड्रेस ही बोल रहा है। हाँ। So, मतलब आप जिसको ये बुलाना चाह रहे हैं उसको, तो ये, लेकिन यू नो पूरा लिख देता हूँ ना, मुखातिब करने के लिए आपका नाम जान सकता हूँ, जिन मिल कर दिया इसमें। आई नो योर नेम टू एड्रेस यू, भाई समझ नहीं आ रहा, छोड़ो। हाँ नहीं, वो ये नहीं होता, वो ट्रांसलेट नहीं होता। कैन आई हैव योर नेम प्लीज, ऐसे ये कह सकते हैं, या फिर मे आई नो योर नेम, व्हाट्स योर नेम, हाउ मे आई एड्रेस यू, हाउ मे आई एड्रेस यू, राइट? बट लाइक अगर मैंने पूछा ना हाउ मे आई एड्रेस यू, तो दैट डजंट मीन व्हाट्स योर नेम, दैट इज लाइक, यू नो, डू यू वांट मी टू कॉल यू डॉक्टर, लाइक लेट्स से आई एम एन एडवोकेट एंड यू आर टॉकिंग टू मी, and then you like how may I address you means like, oh, do you want me to call you advocate, barrister or something else? So essentially address is the title, not the name. Got it. So address angrezi mein like mukhatib ki tarah nahi hota. What type of room would you like to book? We have a VIP, regular and economy. VIP के B और I dot P के बीच में dot डाले और yes. मेरे ख्याल एक ही सही है अभी, क्योंकि इसको वैसे भी हम
अभी अपना दूसरा लगाने वाले हैं। हाँ काफी है। How many people are you? Date and time. डेट एंड टाइम का मैंने नाम चेंज नहीं किया ना। डेट एंड टाइम क्या था? डेट एंड टाइम आई एम कमिंग टुमारो। हां आई एम कमिंग टुमारो मतलब वो ये भी कह सकते हैं कि आई एम कमिंग ऑन द 5th ऑफ सितंबर 2022 भी कह सकते हैं। सो वो दोनों के लिए हमने ये इसका 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 नाम क्या होना चाहिए बेस्ट सा? कमिंग बुकिंग ड्यूरेशन, बुकिंग ड्यूरेशन या चेक इन डेट या CHECK चेक इन डेट्स। चलो चेक इन एक साथ स्मॉल में लिख देते हैं। चेक इन डेट what time period would you like to book, right? So for what dates would you like to book? That ye sawal because nahin, we are asking the date period na. Nahin, date period wala bhi aa gaya hai ki how many nights wala hai wo. Ye check in date hai ki I am coming tomorrow ya I will come on Friday aise karke bolega. Acha acha main samajh raha tha ki hum wo dusra wala istemal kar rahe ho jo कौन सा था वो मैं भूल गया जो भी हाँ, था वो पीरियड करके था डेट पीरियड और टाइम पीरियड। अच्छा अच्छा पीरियड। व्हाट डे आर यू? व्हाट डे आर यू प्लानिंग टू कम? सही है। नंबर ऑफ इंटीजर। हाउ मेनी नाइट्स वुड यू लाइक टू Would you stay? Like to book Would your you nights like and GHDS? Nights with S, like with no S. Like has no S, it's only like. Yeah. Okay. ओके सेव। मैंने सारे प्रॉम्प्ट्स बना दिए इसके अंदर। अब मेरा ख्याल है यहाँ वाला जो काम था इंटेंट में करने वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया इस पॉइंट पे। अब मुझे फुलफिलमेंट को इनेबल करना है। इसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ से पहले तो इनेबल कर देता हूँ मैं इसको, और ये इनेबल करने के बाद मैं जाके यहाँ फुलफिलमेंट में अभी अपना नया वाला एनजी रॉक लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि एन जी रॉक तो कल वाला बंद हो गया होगा। ठीक है, ये मेरा सर्वर रन हो गया और ये मेरा एन जी रॉक चल पड़ा। अच्छा, अब ये सारे पैरामीटर्स मुझे कलेक्ट करने हैं कहाँ पर भला? अपने एक्शंस ऑन गूगल की लाइब्रेरी में सारे पैरामीटर्स मुझे कलेक्ट करने हैं। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो ये प्लेस ऑर्डर मैंने जो नाम रखा है ना, ये बुक रूम है असल में मेरे पास। ठीक है, बुक रूम के नाम से मैंने एक इंटेंट को हैंडल कर लिया। अब यहाँ पर आके ये जो कॉन्वर्जेशन है ना, ये मेरे पास ना कॉन्वर्जेशन का हैंडल है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा convo डॉट गेट अब यहाँ पे ना मुझे ये सारे वो दिखा रहा है। यार कैसे था ये, मैं भी भूल गया हूँ। ओके इसकी हम रिपॉजिटरी में चल के देखते हैं कैसे कलेक्ट किया हुआ है इन्होंने पैरामीटर, मैं भी भूल गया हूँ।
एक्शंस ऑन गूगल, npm साथ में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं npm में आ गया, ये मैं github में आ गया, बल्कि इसके अच्छा ये मैं github में आ गया और यहाँ पे examples हैं मेरे पास। मैं एग्जाम्पल वाले में किसी मेक में चलता हूँ और जस्ट वहाँ से मैं देख लेता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस कि वो कैसे जो है ना कलेक्ट कर रहे थे उसको। अच्छा ये कुछ इनके सैम्पल्स बने हुए हैं, डिजिटल गुड्स करके कोई है वो खोल लेते हैं। फंक्शंस में गया, index.js में गया, या convo.argument है। और ये आर्गुमेंट क्या है? convo.arguments में जो है ना वो क्या होता है कि जो भी मुझे पैरामीटर्स वहाँ से मिल रहे हैं वो convo.argument करके मैं गेट करता हूँ। अच्छा, और वो हमें डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट लाइब्रेरी में हम कैसे ले रहे होते हैं? हाँ अभी मैं उस पर आता हूँ। पर्सन ठीक है, ये मैंने ना एक पैरामीटर कलेक्ट कर लिया यहाँ से। अच्छा इससे पहले वाले में हम कैसे करते थे ज़रा वो भी एक बार हम खोल के देख लेते हैं। इससे पहले हम इस तरह से कर रहे होते थे पैरामीटर कलेक्शन, लेकिन अभी ये जो नई वाली लाइब्रेरी है हमारे पास इसने हमें थोड़ा मुख्तलिफ तरीका दिया हुआ है सेम काम को करने का। यही सेम काम मैं उस लाइब्रेरी से भी कर सकता हूँ। दीज आर जस्ट टू लाइब्रेरीज फॉर डूइंग सेम थिंग। अच्छा अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और डुप्लीकेट करके रूम टाइप के लिए मैं कर लूँगा। रूम टाइप हो गया मेरे पास, नंबर ऑफ गेस्ट हो गया, और नंबर ऑफ गेस्ट के बाद चेक इन डेट, चेक इन डेट के बाद नंबर ऑफ नाइट्स। ये सारे पैरामीटर्स मैंने कलेक्ट कर लिए और ये कलेक्ट मैं अलग से इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनको सबको कॉन्सोल करवाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं था कि मैं इसको इस तरह कलेक्ट करता, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती मैं डायरेक्ट ऐसे करके भी उठा सकता था, लेकिन जस्ट मैं इसको अलग से अलग अलग वेरिएबल में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इनको क्या करवाना है, मुझे इनको कॉन्सोल करवाना है। ठीक है, मैंने इन सबको कॉन्सोल करा दिया, जो भी कुछ मिलेगा सब यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अच्छा अब ये पैरामीटर मैंने कलेक्ट करने के बाद इस जगह पे क्या होगा मेरे पास, टू डू राइट इन डेटाबेस, ठीक है जो भी है, राइट बुकिंग डेटा इन डेटाबेस। चेक विद डेटाबेस पहले करेगा ना? हाँ काइंड ऑफ के अगर कोई चेकिंग वाला सीन अगर है इस तरह का तो वो चेक वेक करके एक हल्का सा इफ़ लगेगा एक यहाँ पे। वेल अब यहाँ पे मेरे पास नीचे ना रिस्पांस भेजने का ऑप्शन है, राइट यहाँ मेरे पास नीचे क्या है, रिस्पांस भेजने का ऑप्शन है। अब इस रिस्पांस को भेजते वक्त मेरे पास दो तरह के रिस्पॉन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, एक है convo.ask, ठीक है एक convo.ask है। अच्छा अगर ये वाला जो चैटबॉट है अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँगा वेब एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करके या कोई एसएमएस के ऊपर इम्प्लीमेंट करके, तो convo.ask का और convo.close का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा मेरे पास, राइट। बट इन गूगल असिस्टेंट इन दोनों का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है।
राइट जैसा कि हम सम टाइम नोटिस करते हैं कि गूगल असिस्टेंट से मैं कोई बात पूछता हूँ, अगर मिसाल के तौर पर मैंने कहा हे गूगल व्हाट्स द वेदर राइट नाउ, ठीक है, जस्ट इन केस मैंने ऐसे पूछा, अभी गूगल असिस्टेंट पलट के मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप कौन से सिटी में बैठे हुए हो। वैसे तो पूछेगा नहीं, उसको पता होता है, लेकिन जस्ट इन केस अगर मुझसे वो पूछता है कि यार आप कौन से सिटी में बैठे हो, तो ये सवाल पूछने के बाद वो अपना माइक ओपन रखेगा, ठीक है। तो आस्क जब मैं करूँगा ना, तो वो अपना माइक ओपन रखेगा, व्हाट इज़ योर सिटी नेम, अगर मैंने ये सवाल पूछा है बंदे से, तो मैं उसको कैसे करके भेजूँगा, कॉन्वो डॉट आस्क करके भेजूँगा मैं उसको, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सवाल पूछने के बाद माइक को ओपन रखवाना है, माइक को मुझे क्लोज नहीं करवाना है। अच्छा, ऑन अदर हैंड जब मैं उसको वेदर बताऊँगा ना, तो मैं कॉन्वो डॉट CONV.close करके भेजूँगा उसको। अच्छा, मैंने कहा भाई इट्स 36 degrees आउटसाइड, ठीक है, ये वाली जब मैं बात करूँगा इट्स 36 degrees आउटसाइड, तो ये मैं उसको एक बात बता रहा हूँ, ये मैं कोई बात पूछ नहीं रहा, एज अ गूगल असिस्टेंट अगर मैं हूँ तो मैं कोई बात पूछ नहीं रहा, तो मैं माइक को क्लोज़ कर दूंगा, तो क्लोज़ का मतलब है कि माइक क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। और मे बी जस्ट इन केस वुड यू लाइक टू नो अबाउट रेन फॉरकास्ट, जस्ट इन केस अगर मैंने ये सवाल भी एक छोड़ा हुआ है लास्ट में, तो फिर मुझे अगेन इसको आस्क करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है मैंने एक सवाल भी छोड़ दिया तो इसका बंदा जवाब देगा, तो मुझे माइक को ओपन रखना है, ठीक है। तो ये आस्क और क्लोज वाली बात समझ में आ गई होपफुली। जी, अब हम क्या करते हैं, मैंने कहा कॉन्वो डॉट क्लोज योर बुकिंग इज कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर Doing business with us. Okay, ये मैंने बोल के इसको सेव कर दिया। अच्छा, ये मेरा एक इंटेंट कम्प्लीट हो चुका है, मैंने इसमें से पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया, और उन पैरामीटर्स को अभी प्रिंट भी करवा दिया मैंने, और उस पैरामीटर को अगर मैं चाहूँ तो अपने इसमें इसमें शामिल भी कर सकता हूँ, मैं उसको बोलूँगा यार डियर जो भी नाम है उस बंदे का, डियर person.person.फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा ना, आई थिंक नेम होगा, person.name है यहाँ पे, वैसे उस डॉक्यूमेंट में भी आ रहा था, वेल अभी पर्सन प्रिंट होगा तो हमें पता चल जाएगा, वेल पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट जो जिसमें मुझे डॉट करके नेम और डॉट करके लास्ट नेम, पता नहीं फैमिली, इस तरह दो तीन चीज़ें मिल रही होती हैं मुझे उसमें, ठीक है। तो जो पकड़ में आ गया वो मिल जाएगा, जो नहीं पकड़ में आया वो अनडिफाइन रहेगा। तो मैंने इसको बोला चलो यार कि डियर मलिक योर बुकिंग इज कंप्लीटेड, ऐसे करके मैंने बोल दिया। अब इसको थोड़ा एक सवाल, जी वो पर्सन डॉट नेम क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, तो अगर हाँ मिला तो अच्छा। हाँ, ये आपने अच्छी बात की। हाँ, मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मैं इसको पूरा ही कंडीशनल बनाना पड़ेगा, मुझे इसको पूरा कंडीशनल बनाना पड़ेगा कि भाई अगर जो है ना पर्सन डॉट नेम अगर मिले क्वेश्चन मार्क, तो क्या रिटर्न करोगे आप, डियर और प्लस पर्सन डॉट नेम, ऐसे करके रिटर्न करोगे आप, अदरवाइज आप क्या करोगे, खाली खाली स्ट्रिंग रिटर्न करोगे। तो अभी ये पूरा ही क्या कहते हैं कंडीशनल हो गया। सही सही, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने इस अपने टेम्पलेट के अंदर एक जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लगाई, ठीक है। मैं इसको अलग अलग लाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, ये मेरा टेम्पलेट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से मैंने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की टेम्पलेटिंग,
और इस जावास्क्रिप्ट में बजाय मैंने डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखने के मैंने एक कंडीशन लगाई, मैंने कहा पर्सन डॉट नेम अगर हो तो क्या रिटर्न करो, डियर और प्लस पर्सन डॉट नेम, यानी इस पूरे जावास्क्रिप्ट की जगह पे ये आ जाएगा डियर प्लस पर्सन नेम, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो फिर सेंटेंस जो है ना ये ऐसे होगा, योर बुकिंग इज़ कम्प्लीटेड, ऐसे करके होगा। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट इट आउट। फुलफिलमेंट में गया, इसमें मैंने क्या चेंज किया, चेंज किया क्या, सेव कर देता हूँ कोई भी। अच्छा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन इन रिक्वायर्ड, हमने ये कल ही कर लिया था। टेस्ट अच्छा ये मैं ना ज़रा इसको मोबाइल फ़ोन पे ले आता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट जाता ही पता नहीं इसके ऊपर है। टॉक टू होटल बुकिंग ऐप राइट, अच्छा यार अभी मुझे याद आया, नाम तो हमने वो उसमें से उठाया हुआ है बंदे के उसमें से, तो नाम तो पूछने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट उसका नाम लेके मुखातिब करेंगे। वेल राइट। अच्छा मैंने इसको कहा बुक अ रूम एंटर, अभी हम ज़रा जो बनाया है उसको हम सही कर लें, फिर ये वेलकम मैसेज भी असल में गलत लगा हुआ है, ये भी चेंज होना चाहिए। What type of room would you like to book? We have VIP, regular and economy. Give me a VIP room. How many people are you? Three people. When you are planning to come to our hotel? Day after tomorrow. How many nights are you planning to stay in our hotel? 5 nights. Something went wrong while booking room. Okay. Something went wrong. अच्छा होपफुली यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। यार ये क्या हुआ, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड नंबर ऑफ नाइट्स। ओके ये सब कुछ अनडिफाइंड मिला यार, ऐसे कैसे हो गया, ये सारा सब कुछ अनडिफाइंड मिला। वाय पर्सन भी अनडिफाइंड, रूम टाइम भी अनडिफाइंड, एवरीथिंग अनडिफाइंड, ये क्या हुआ। ये हमने जेसन जेसन ये लगाया हमने ऊपर जेसन बॉडी पार्सर जो भी जेसन स्ट्रिंगिफाई में। हाँ वो तो लगा हुआ है, वो
यार मैं एक मिनट डबल माइंडेड हो रहा हूँ कि मैं कहीं गलत तो नहीं इसमें लगा दिया मैंने। एक मिनट यार मैं अगर आ रहा हूँ यार सलील हमने अपने वाले प्रोजेक्ट में ये यूज़ किया था ना। हाँ किया होगा। डॉक्यूमेंट भी नहीं मिल रहा। अच्छा इसमें मैंने कॉन्वो और पैरम्स दो अलग अलग लिया हुआ है। ये मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट है इसमें मैंने इस तरह लिया हुआ है बट अब अभी ऐसा गैरीज भी कम चेक कर लो, गैरीज भी का अगर एक्शन ऑन गूगल इस्तेमाल कर रहा होगा। यार डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं। डॉक्यूमेंट अभी तो खोला था डॉक्यूमेंट हमने, उसमें हमें क्या मिला था? कुछ नहीं मिला था। क्लाइंट लाइब्रेरी रेफरेंस एक्शंस ऑन गूगल डॉक्स, डॉक्स में चलते हैं यार। वो डॉक्स कहीं लेके नहीं जाता ना। अरे हाँ यार हाँ बट ये कन्वर्सेशनल में कुछ है तो सही। बिल्ड ये सेंड रिस्पॉन्सेज बता दिया। इंटेंट पैरामीटर्स कॉन्वो डॉट इंटेंट डॉट पैरम नेम डॉट ओरिजिनल डॉट रिजॉल्व। रीड एंड राइट स्टोरेज, स्टोरेज में ऐसे राइट कर सकते हैं। आई थिंक ये तरीका सही रहेगा, ये वाला तरीका सही रहेगा। कॉन्वो डॉट इंटेंट डॉट पैरम्स है ये वाला है। अच्छा कॉन्वो डॉट इंटेंट डॉट ये तो आई नहीं रहा। इंटेंट डॉट पी ए आर ए एम एस तो उसके बाद डॉट गेट है या डॉट गेट नहीं है? डॉट पर्सन जस्ट ऐसे करके बोल रहे हैं ये। अच्छा अच्छा इसके साइड में ना कॉमा डाल के भी जो है मैं पैराम्स ले लेता हूँ और इसको भी ज़रा ना मैं कॉन्सोल करा लेता हूँ कि ये जो पहले तरीका चल रहा था ये पैराम्स वाला ये आया कि अभी भी है या ख़त्म हो गया। ठीक है दोनों तरीके से करवा लिया।
ओके मैंने अभी एक लिंक भेजा है, वो भी चेक कर लें। वो मेरे ख्याल से वही है, आप भी उसी पेज पे हो। मैं भी बुक उसी रूम पेज फॉर पे टू था। पीपल, वी आर कमिंग टुमारो। ओके All right, let's get the tip. Hey, can I have your name? What type of room would you like to book? We have VIP, regular. How many nights are you planning to stay in our hotel? Something went wrong while booking room. अच्छा, पैरामीटर तो हमें मिले हैं इस बार को। So अच्छा, essentially ये this convo पैरम्स dot में ही मिल intent रहा है dot यार, ये पैरम्स में ही मिल रहा है। ये जो कॉन्वो डॉट इंटेंट डॉट पैरम है ना, ये गलत है। ये इससे तो इसमें भी अनडिफाइन आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइन रीडिंग पर्सन। ये पर्सन में ही इसको ये टाइट हो जा रहा है, तो पैरम्स डॉट करके ही मिल रहा है मुझे जो भी मिल रहा है। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, कॉन्वो डॉट इंटेंट डॉट पैरम, उसके बाद पैरम नेम डॉट ओरिजिनल। बस ठीक है, जब मुझे ऐसे करके मिल रहा है तो ऐसे करते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है बट वो चल नहीं रहा। पता नहीं आउट ऑफ डेट है या कोई कोई हम चला गलत रहे थे उसको, मे बी, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, मुझे नेम में क्या मिल रहा है ज़रा हम देख लेते हैं। पर्सन डॉट नेम मिल रहा है मुझे। हाँ सर, ये पर्सन डॉट नेम आ रहा है। पर्सन डॉट नेम वाले एक रूम टाइप रेगुलर 5, चेक इन डेट में मुझे वो ISO डेट पूरी दे रहा है। ISO 8601। अच्छा जी, तो हमें पैरामीटर तो यहाँ मिल गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, चलो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं ताकि ये चला तो लें। Hey, can I have your name? What type of room would you like to book? We have VIP, regular, and economy. How many nights are you planning to stay in our hotel? Dear Malik, your booking is completed. Thank you for doing business with us. ओके, हमने ये वाला काम कर लिया। अच्छा, अब इतना काम जस्ट करना मेरे लिए काफ़ी नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये जो बोरिंग क्वेश्चंस हैं, इन बोरिंग क्वेश्चंस को थोड़ा सा मुझे एंटरटेनिंग बनाना है, ठीक है। और एंटरटेनिंग बनाने के लिए गूगल असिस्टेंट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम इसको काफ़ी एंटरटेनिंग बना सकते हैं। अगर मैं जैसे अभी अगर दोबारा ट्राई करूं तो मुझसे ना ये स्ट्रेट स्ट्रेट लेट्स गेट द टेस्ट वर्जन ऑफ होटल बुकिंग। हाय इंसमैम मलिक, आई एम योर होटल बुकिंग असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू? हियर इज योर प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा, पहले तो उसमें से नेम हटा देता हूँ यार, मैं नेम ना नेम की क्योंकि ज़रूरत नहीं है। हमें पैरामीटर्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं हमारे पास, ये नेम की पर्सन की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, मेरे पास अब चार पैरामीटर्स रहेगा टोटल सेव। ठीक है, मैंने कहा बुक रूम, What type of room would you like to book? We have VIP, regular and economy. अब मेरे पास क्या होना चाहिए था इस पॉइंट पे कि मुझे नीचे ना सजेशन चिप्स आनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, या मेरे पास जो है ना तीन कैरोसल कार्ड आ रहे होने चाहिए जिसमें मुझे तीनों रूम की फ़ोटो दिख रही है और मैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट करूँ, राइट, मतलब इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए थी तो ये काफ़ी सही रहता। गूगल असिस्टेंट का जो मोबाइल फ़ोन वाली स्क्रीन है उसको मैं यूटिलाइज़ कर पाता। ऑफ कोर्स वो वाली चीज़ अगर मैं वॉइस पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास जो मिनी डिवाइस है गूगल मिनी, उस पे तो मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आती, बट स्टिल मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है, जो स्मार्ट डिस्प्लेज हैं, जो टीवी है, क्योंकि टीवी पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है गूगल असिस्टेंट, मैं भी जब ऐसे टीवी पे बैठता हूँ तो ये नया वाला टीवी है, उसके रिमोट में इन्होंने एक बटन दिया हुआ है, तो उस बटन को जस्ट मैं होल्ड करता हूँ और होल्ड करके कुछ भी बोलता हूँ तो गूगल असिस्टेंट मुझे आंसर करता है। उससे मैं टीवी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, टर्न ऑफ टर्न ऑन वगैरह, यूट्यूब ओपन कर दो, नेटफ्लिक्स ओपन कर दो, नेक्स्ट सॉन्ग, वॉल्यूम अप डाउन, एक्स वाई जेड, ये सारी चीज़ें करता है वो। बट उससे अगर मैं बोलूँ कि टॉक टू होटल बुकिंग, जो पब्लिश हुई भी मेरी ऐप्स हैं, ठीक है, जो गैरी वे जैसे पब्लिश हुआ हुआ है, तो मैं टॉक टू गैरी वी अगर बोलता हूँ तो वो टीवी मेरी गैरी वी से बात करना शुरू हो जाती है। तो इनपुट वो मेरे रिमोट के बटन से ले रहा होता है, मैं होल्ड करता हूँ प्रेस करके और बोलता हूँ, और जो मुझे आउटपुट का साउंड मिलता है वो टीवी, जिस भी साउंड सिस्टम से कनेक्टेड है या टीवी के जो अपने स्पीकर्स हैं वहाँ से मुझे आउटपुट मिल रहा होता है, और टीवी की स्क्रीन पर बड़ा सा मुझे वो बना के दे रहा होता है, जो भी कार्ड्स वगैरह दिख रहे होते हैं वो टीवी पे बड़ा सा मुझे बना के दिखा रहा होता है। तो वेल, अगर टीवी के ऊपर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, जाहिर है वो एक स्क्रीन वाली डिवाइस है, तो उसके अंदर जस्ट अगर मैं बोलता हूँ तो शायद वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। मेरे पास दिखाने का भी ऑप्शन है तो मुझे स्क्रीन को भी यूटिलाइज़ करना चाहिए ऐसी सूरत में। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि कौन से ऐसे रिच रिस्पॉन्सेज हमारे पास मौजूद हैं जो हम इस पॉइंट पर दिखा सकते हैं। हम इसी में ही आ जाते हैं कन्वर्सेशनल इंटरफेसेस में, और हम देखते हैं बिल्ड वाले सेक्शन में ही होगा। यार बहुत तंग करता है ये। अभी मैंने रिच रिस्पॉन्सेस देखने हैं, ओवरव्यू में जाता हूँ, वहीं पे मिलेगा शायद। प्रॉम्प्ट्स में जाके देखता हूँ। ओके, गॉट इट। तो मेरे पास सिंपल रिस्पॉन्सेज हैं, रिच रिस्पॉन्सेज हैं, विजुअल सिलेक्शन रिस्पॉन्सेज हैं, ये सारे ना मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़रा विजुअल सिलेक्शन रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करके मैं देखता हूँ कि विजुअल सिलेक्शन रिस्पॉन्सेज में क्या है। लिस्ट है, कलेक्शंस हैं, और कलेक्शन ब्राउज है। अच्छा भाई, तो लिस्ट मेरे पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है, और इसमें से मैं एक को सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, और मेरे पास क्या है भाई भला? ओके, बड़ी स्क्रीन पे इस तरह से डिस्प्ले हो रही होती है, गुड। वो भी लिस्ट ही थी। हाँ, बड़ी स्क्रीन पे लिस्ट थोड़ा ऐसे करके बड़ी करके डिस्प्ले हो रही है। सही, मतलब वर्टिकल स्क्रीन पे ऊपर से नीचे और हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे लेफ्ट टू राइट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ टीवी पे भी इसी तरह होगी कि हॉरिजॉन्टल। अच्छा, कलेक्शन ब्राउज जो है अभी वो क्या चीज़ है, देखते हैं ज़रा उसको। कैरोसेल होगा, कलेक्शन ब्राउज, क्रिएटिंग अ कलेक्शन ब्राउज। ओके, लिस्ट, कलेक्शन एंड कलेक्शन ब्राउज। कलेक्शन ब्राउज का क्या मतलब है? सिमिलर टू कलेक्शन, कलेक्शन ब्राउज इज अ रिच रिस्पॉन्स दैट अलाउ यूजर टू स्क्रॉल थ्रू ऑप्शन कार्ड्स। कलेक्शन ब्राउज इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर द वेब एंड ओपन सेलेक्टेड टाइल इन द वेब ब्राउजर, एएमपी ब्राउजर, इफ ऑल द एएमपी इनेबल। अच्छा, जो ये ब्राउज वाला है वो क्या है कि क्लिक करेंगे ना तो छोटा सा ब्राउजर विंडो खोल के, और इसमें एक यूआरएल होगा, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो यूआरएल उसमें ओपन कर देगा।
वेल तो हमारे मतलब की चीज़ शायद ये कलेक्शन है, हमारे मतलब की चीज़ शायद ये कलेक्शन है। ओके ये लिस्ट है, ये कलेक्शन है। अच्छा कलेक्शन अलग चीज़ है, लिस्ट अलग चीज़ है। कलेक्शन स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली, ओके तो कलेक्शन हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होता है, तो हमें भी शायद हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल चाहिए। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी थी, वो कैरेजल कार्ड्स वगैरह ना, हम उसको भी ज़रा नज़र मारते हैं, रिच रिस्पॉन्सेज में वो होगा, या मे बी उसको इन्होंने ख़त्म करके ये वाली चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। बेसिक कार्ड, बेसिक कार्ड, टेबल कार्ड, मीडिया रिस्पॉन्सेज, बस नहीं मेरे ख्याल ख़त्म कर दिया उसको। सिंपल रिस्पॉन्सेज में ज़रा देख लेते हैं क्या क्या है। सिंपल रिस्पॉन्सेज में तो बस साउंड एंड SSML वगैरह है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और मीडिया में क्या है हम ज़रा वो भी देख लेते हैं। मीडिया में है बिहेवियर प्रॉपर्टी रिसीविंग मीडिया, अच्छा ये स्पेसिफिकली ऑडियो वीडियो के लिए है, तो मेरे ख्याल है सिलेक्शन वाले में ही जो दोनों है ना इसी को ही हमें यूज़ करना होगा, वो कैरेजल वगैरह शायद इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अच्छा तो मैं कलेक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ, वो जो कैरेजल जो था वो डायलॉग फ्लो ES में, मतलब वो डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट लाइब्रेरी में हम वो इस्तेमाल करते हैं, और ये एक्शन जो गूगल पे इन्होंने अब ये लिस्ट और कलेक्शन कर दिया है। नहीं असल में एक्शन ऑन गूगल ना एक प्लेटफॉर्म है, एक्शन ऑन गूगल में जो चीज़ मौजूद नहीं है वो आप कहीं से भी यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा वो ये एक्शन ऑन गूगल की ये डॉक्यूमेंटेशन में हम खड़े हैं, तो मतलब इन्होंने जेसन बताया हुआ है राइट, तो कोई भी लाइब्रेरी से जब इसको रिस्पॉन्स मिलेगा ना गूगल असिस्टेंट को तो उसको ये जेसन चाहिए बस। सही। और एक्शन ऑन गूगल ने इसका जो है वो थोड़ा सा फंक्शन बना दिया है चुन्ना मुन्ना सा, ठीक है तो वो थोड़ा इस तरह से दिख जाता है हमें, ये भी ठीक है। Okay. सही, लेकिन मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जो डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट लाइब्रेरी से डायलॉग फ्लो के लिए जो ये बनाए थे रिच रिस्पॉन्सेज बनाए थे वो अलग है एक्शंस ऑन गूगल के रिच रिस्पॉन्सेज। सही, यस। सो अगर मैं एक्शंस ऑन गूगल के लिए बना रहा हूँ प्राइमरीली, तो मैं इसके रिच रिस्पॉन्सेज इस्तेमाल करूंगा, हाँ, ना कि डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट लाइब्रेरी। सही, यस। लेकिन वो भी चलने वैसे ही चाहिए ना, असिस्टेंट पे भी वो भी वैसे ही चलेंगे। यार यहाँ पे मुझे कैरेजल कार्ड तो दिखा रहा है ये उसी तरीके से, ये क्या बकवास है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स में कैरेजल कार्ड है ही नहीं और वहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कैरेजल कार्ड। हम इसकी ये देखें वो क्या, हम एक मिनट, हम कहीं गलत जगह तो नहीं खड़े हैं। जो हमने NPM में इंस्टॉल की है उसमें क्या क्या कहता है। मैं एक्चुअली कन्वर्सेशनल में ही खड़ा हुआ हूँ ना, कन्वर्सेशनल नहीं, नहीं, नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जैसे हमने रिवर्स इंजीनियर की थी ना NPM के। यस 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 यस, मैं उसी की तरफ अभी जाने लगा हूँ, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक डायलॉग फ्लो इन्होंने अलग से भी दिया हुआ है। हाँ ये क्योंकि ये मैं वही देख रहा था, एक इन्होंने ना लेगेसी ये रखे है कि डायलॉग फ्लो और एक्शन SDK के लेगेसी चीज़ है। हाँ जैसे आप कह रहे थे ना कैरेजल कार्ड, तो शायद वो चीज़ें मेन स्ट्रीम से हटा दी है बट लेगेसी में उसकी सपोर्ट है, मे बी यही वजह है कि वो मुझे वहाँ पे भी शो हो रहा है। वेल बिल्कुल आपने सही कहा, अभी हम जाते हैं और यहाँ से ना इसका वो निकालते हैं, एक्शंस ऑन गूगल, ये एक्शंस ऑन गूगल आ गया हमारा, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे वो वाला कुछ है नहीं इस तरह का, readme.md नीचे था, नहीं है वो वाला सीन ही नहीं रखा इन्होंने। अच्छा अच्छा ये है कुछ इस तरह का, सही सही है मिल गया। अच्छा डायलॉग फ्लो के लिए ये ऐप है, डायलॉग फ्लो, डायलॉग फ्लो ऑप्शंस, डायलॉग फ्लो कन्वर्सेशन। स्मार्ट होम अभी ज़रा रिच रिस्पॉन्सेज का मुझे अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट बना दें ये तो फिर तो सही हो जाए ना, बट इन्होंने नहीं बनाया।
अच्छा, हम ज़रा वापस से आते हैं और डायलॉग फ्लो के ये जो ऐप है, डायलॉग फ्लो ऐप, इसके अगर मुझे ले जाइए वहाँ रेफरेंस में कि इसमें कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी सही रहेगा। और कॉन्वो डायलॉग फ्लो कॉन्वर्जेशन इंस्टेंस, तो पहले तो मैं यहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। ओके गॉट इट, ले आया मुझे ये। सही है, मुझे ये ले तो आया है। ये लेफ्ट में रिच रिस्पॉन्सेस है, देखिए फ्रेमवर्क के नीचे ओवरव्यू असिस्टेंट बॉटम में सबसे। हाँ यस, ओके गॉट इट। अच्छा यहाँ पे भाई हमारे पास जो है ना, अबे यार अब यहाँ पे वो वाले रिस्पॉन्स नहीं आ रहे कलेक्शन वाले। ये मेरे ख्याल से वो ये पुराने वाले हैं, और वो जो नए वाले हैं वो उस डॉक्यूमेंटेशन में जो आप वहाँ पे देख रहे थे। वेल मैं कैरोजोल वाले को ही लगा कर देखता हूँ कि क्या रिपोर्ट है उसकी। अरे यार अभी इसके अंदर वो नहीं इन्होंने डाला क्या कोड एग्जांपल? वो उसके लेफ्ट में प्लस का आइकॉन था, वो क्लिक करके देखें। नहीं यार उसमें भी नहीं आ रहा, से कुछ नहीं हो रहा। वेल कलेक्शंस था वो यहाँ पे कुछ आ तो रहे कलेक्शन करके। एक्शंस ऑन गूगल V2 UI एलिमेंट्स, और उसके अंदर ऐसे कलेक्शन करके आ रहा है वो, क्योंकि उन्होंने एक SDK एक्शंस ऑन गूगल लेगेसी भी रखा होगा और एक ये भी रखा होगा मेरे ख्याल से ये V3, मतलब वो ये होगा आपका डायलॉग फ्लो CX। ये कलेक्शन कलेक्शन करके मुझे दे तो रही है। ब्राउज़ कर से नहीं, मुझे कैरोसेल कार्ड चाहिए सिंपल। इसका भी मैं कोड यार भूल गया हूँ। इसका भी मैं कोड भूल गया हूँ, अभी ज़रा सा हम लिख लेते हैं। ये तो वो लिस्ट से बना रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन हो रही है मुझे यार थोड़ी थोड़ी। यू वांट टेक अ ब्रेक? नहीं मैं असल में सोच रहा हूँ मैं पहले किसको करूँ, मैं कैरोजोल को करूँ पहले या दोनों को कर लेते हैं ना, कैरोजोल को भी टेस्ट कर लेते हैं और कलेक्शन को भी साथ ही साथ चेक कर लेते हैं। वेल तो अभी मैं ना कैरोजोल को ही करता हूँ पहले, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट देख के मुझे लगा कि शायद कैरोजोल जो है उस वो ख़त्म हो गया तो हमें नया वाला करना चाहिए। तो इसको क्या हो गया?
मेरे ख्याल से लेगेसी अब तक है तो लेगेसी एक कैरोसेल भी चेक कर लेते हैं और फिर बाद में उसको कमेंट करके फिर कलेक्शंस भी चेक कर लेंगे। अच्छा, ये मेरा बुक रूम आ गया और यहाँ पे अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि बंदे को मैं कैरोसेल कार्ड दिखाऊँ। वेल, मुझे कैरोसेल कार्ड दिखाने से पहले यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा कि हर इनपुट पे यहाँ पे पहुँचे भी तो सही ना रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी तो जब सारे पैरामीटर एक साथ मिल जाते हैं जब यहाँ पे ये पहुँचता है, राइट? तो अभी मुझे हर पैरामीटर पे यहाँ पे लेकर आना है, तो उसके लिए मुझे बहुत ही सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा और वो काम मुझे ये करना पड़ेगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा यहाँ से और सेव का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है? अब इससे होगा ये कि हर रिक्वेस्ट पे क्या होगा, ये फुलफिलमेंट पे पहुँचेगा। अब इस पॉइंट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ़ भी लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है? पर्सन तो अब है नहीं, पर्सन को उड़ा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है? अब ये पर्सन, पर्सन की जगह क्या रखा था हमने, यहाँ से उठा देते ना, क्या हो गया? हाँ, क्या रखा था हमने, यम यम यम, ये रखा था हमने, तो अभी पर्सन की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, ठीक है? ये तो मेरा पर्सन का नाम आ गया। क्या किया मैंने, अभी मैं इसको बोलूँगा कि भाई रूम टाइप, इफ़ नॉट रूम टाइप, अगर रूम टाइप नहीं है, सही है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप बोलो कॉन्वो डॉट आस्क, ठीक है, प्लीज़ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक, वी हैव VIP, economy, VIP regular, economy rooms available. अच्छा, now what we are doing is we are doing the same thing but from webhook. सही है? जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता था, अभी अभी दीज क्वेश्चन आर इररेलेवेंट नाउ, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन नहीं भी होंगे तो ये सही काम करेगा। तो अभी मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ़ गेस्ट के भी, नंबर ऑफ़ गेस्ट पे भी यही बोल दिया मैंने, कहा भाई एल्ज़ इफ नॉट नंबर ऑफ़ गेस्ट, अगर नंबर ऑफ़ गेस्ट का जो वेरिएबल था, जो भी इनपुट था, वो नहीं अगर आपको मिला तो आप क्या बोलोगे, कॉन्वो डॉट आस्क हाउ मेनी गेस्ट आर स्टेइंग। गुड यार, अभी अगला क्या है, नॉट चेक इन डेट, कॉन्वो डॉट आस्क, गुड। नंबर ऑफ नाइट्स भी पता चल गया इसको, नाइस, सही जा रहा है भाई ये। प्लीज टेल मी हाउ मेनी नाइट्स यू वांट टू स्टे, गुड। तो ये चारों बात मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है? अभी अच्छा, सबसे एक पहले सवाल जी, अगर मुझे लाइक ये मिल गया, सॉरी नहीं मिला रूम टाइप, तो मैं ये सवाल पूछूंगा, लेकिन अगर मेरे पास वो रूम टाइप अवेलेबल नहीं है तो ये मैं कैसे चेक कराऊंगा आफ्टर दिस? ओके, गुड। अभी हम उसकी तरफ आते हैं, पहले तो हम ये ना जो सवाल पूछ रहे हैं इसमें अभी हम फिलहाल ये ऐड करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे सजेशन चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी दिखना शुरू हो जाएं, तो अभी तो फिलहाल मैं ये करवा रहा हूँ। अभी मैं आपका वाला भी बताता हूँ, मैं जो आप कह रहे हैं ये याद दिलाइएगा मुझे। सही है, बट दैट विल एसेंशियली हैपन बिफोर दिस ब्लॉक ऑफ कोड, राइट? यस। अच्छा, तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, यार ये कोड ब्रेक क्यों हो गया मेरा?
अच्छा ये मैंने कुछ इंपोर्ट किया जो इसमें है नहीं। अच्छा ठीक है, ये कैरेसल भी हटा देता हूँ फिलहाल में, अभी करते हैं थोड़ी देर में इसका काम। तो अभी मैंने ये किया है कि कंट्रोल मेरे पास वेबहुक पे लेकर आ गया हूँ मैं, कि अभी रूम टाइप अगर है या नहीं है, रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे पहुँचेगी। तो मैं जाके ज़रा इसको टेस्ट करता हूँ दोबारा से, और मैंने कहा कि टेस्टिंग को भाई रीसेट करो आप, और बोलो टॉक टू होटल बुकिंग ऐप। All right, let's get the test version of hotel booking. मैंने कहा book room. Please tell me what type of room would you like to book. We have VIP, regular and economy rooms available. Dear Insamam Malik, your booking is completed. Thank you for doing business with us. ये इस वजह से हुआ, ये बता रहा हूँ क्यों हुआ। ये सारे if वाले तो चले, but ये भी चल पड़ा। ठीक है ना, मुझे क्या करना था, else में लगाना था इसको यहाँ। ठीक है, एल्स में लगाना था इसको यहाँ। ये मेरा प्रोग्रामिंग की मिस्टेक रही। कि अगर इनमें से कोई भी इफ़ अगर ट्रू हो जाता है तो जाहिर है वो आगे वालों को चेक नहीं करेगा, तो ये इस एल्स तक नहीं पहुँचेगा। तो इस वाले एल्स तक ये जब ही पहुँचेगा जब ये सारे इफ़ फॉल्स हो जाएं। ठीक है, और मुझे ये सारे इफ़ फॉल्स जब ही होंगे जब मुझे सारे पैरामीटर मिले होंगे। ठीक है, तो देट वॉज माई बैड, नाउ टेस्ट इट आउट अगैन। Okay, let's get the test version of hotel booking. Hi, Insamam Malik. I am your hotel. Book room. Please tell me what type of room would you like to book. We have VIP, regular and economy rooms available. अब मेरे पास ना यहाँ पे ये request पहुँची है, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास ये request पहुँची है, और मेरे पास जो params हैं वो सारे वो मुझे क्या मिले हैं? इस वक्त खाली मिले हैं। सही है, ये सारे पैरम्स यहाँ पे प्रिंट हुए हैं, रूम टाइप, गेस्ट, चेक इन, बट उसके आगे कोई वैल्यू मुझे नहीं प्रिंट हो रही। तो अब मैं जाके बोलता हूँ, क्या मुझसे पूछा इसने, रूम टाइप ना, मैंने कहा रेगुलर रूम, एंटर। तो यहाँ पे अब मुझे ये मिलना चाहिए। अभी मेरे पास हाउ मेनी गेस्ट्स आर स्टेइंग, रेगुलर तो पता चल गया, अभी नंबर ऑफ गेस्ट नहीं था। ठीक है, नंबर ऑफ गेस्ट नहीं था, तो फिर इसने बोला हाउ मेनी गेस्ट आर स्टेइंग, ऐसे करके पूछ लो। मैंने कहा भाई वी आर 6 पीपल, तो अभी सेकंड वाला आ जाएगा मेरे पास। सही है, सेकंड वाला भी आ गया मेरे पास। प्लीज टेल मी व्हेन यू वांट टू चेक इन। ठीक है, अब मैं दो पैरामीटर एक साथ देता हूँ इसको। वी आर कमिंग टुमारो फॉर 6 डेज। ठीक है, प्लीज टेल मी हाउ मेनी नाइट्स यू वांट टू स्टे। अच्छा, वो दूसरा वाला उसको नहीं मिला, 6 डेज मैंने बोल दिया था ना, नाइट्स बोलता हूँ शायद वो एक साथ पकड़ लेता। डियर इंसमैम मलिक, योर बुकिंग इज कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर डूइंग बिजनेस विद अस। ठीक है, अभी इस बारी मुझे क्या मिला कि सारे पैरामीटर मिल गए मुझे। सारे पैरामीटर में मुझे क्या क्या मिला, सबसे पहले मुझे रूम टाइप मिला रेगुलर, नंबर ऑफ गेस्ट मिला मुझे 6, चेक इन डेट में मुझे एक ISO की डेट मिल गई, नंबर ऑफ नाइट में मुझे मिल गया 6। तो ये चारों पैरामीटर मुझे मिल गए, और चारों पैरामीटर मिले तो एल्स में पहुंचा, और एल्स में पहुंचने के बाद इसने मुझे ये दिखा दिया। ठीक है, अब मुझे जब मैं इससे रूम का टाइप पूछ रहा हूँ तो इसको मुझे क्या बोलना चाहिए, कि मैंने कहा कॉन्वो डॉट आस्क, ठीक है, न्यू सजेशन। ठीक है, मुझे कोई ना कोई सजेशन इसको दिखानी चाहिए। ठीक है, मैंने 3 सजेशन चिप दिखा दिया कि भाई VIP, रेगुलर रूम और अच्छा ऊपर मुझे ये सजेशन को रिक्वायर भी करना पड़ेगा। अरे ये कहाँ से रिक्वायर कर लिया इसने, सजेशन
जो गलत जगह से इसने रिक्वायर कर लिया था। क्या इसमें सजेशंस है? इसमें मैं ज़रा हाथ रखता हूँ, मुझे क्या बताता है ये। यार सजेशन चिप में मेरे साथ सीन ना करिए बस। सजेशन चिप तो इतनी बेसिक सी चीज़ है। अबे दिखा दे इंटेलिजेंस ही दे दे कुछ। सही है, स्ट्रिंग दे सकता हूँ इसको मैं यहाँ पर, ठीक है। सजेशन एस वाला है इसके अंदर, जो डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट में था वो बगैर एस वाला था, इसमें एस वाला है, ठीक है। मैंने साथ सवाल पूछने के साथ साथ मैंने कुछ सजेशन चिप्स इसको दिखा दी फ़िलहाल के लिए। अब मैं जाके ज़रा इसको टेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास सवाल के साथ साथ सजेशन चिप भी आनी चाहिए। Okay, here's the test version of hotel booking. Please tell me what type of room would you like to book? We have VIP, regular and economy rooms available. मैंने लिंक भेजी है जिसमें कोड ब्लॉक है, सैंपल कोड है सजेशन टिप्स का, एक्चुअल वर्क। आपने भेजा क्या मुझे? हाँ अभी चैट चैट अभी चैट। वेल नहीं, सजेशन चिप का तो ये यहाँ पे भी दिखा रहा होता है कि सजेशंस में ना मैं क्या दे सकता हूँ, खाली एक स्ट्रिंग दे सकता हूँ या स्ट्रिंग का एरे भी दे सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। मतलब ये जो तीन लाइनों में लिखा है मैंने, ये एक ही लाइन में मैं ऐसे एरे में भी दे सकता था इसको यहाँ पे। वेल और एक चीज भी पॉसिबल है, लिंक आउट सजेशन। हाँ लिंक आउट सजेशन जो है उसमें सीन क्या होता है कि वो जब उस पर क्लिक करते हो आप तो वो ब्राउजर ओपन कर देता है। सही, ठीक है। उसका सीन उसमें यू आर एल मुझे एक देना पड़ता है, टाइटल और एक यू आर एल, तो मेरा ख्याल है वो मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अभी। जी सही बात, बट वो भी है, मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ जस्ट टू जस्ट फॉर शो। लिंक आउट सजेशन, तो लिंक आउट सजेशन भी यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ कि अबाउट आर होटल। More about hotel. सही है, बंदा ये बोलेगा more about hotel। अभी देखते हैं इसमें वो कैसे देना है मुझे। वो उसको ऐसे देना है, वो आपको लिंक मैंने जो भेजी है ना चैट में वो देख लें। भेजा आपने कुछ? हाँ। इसको मुझे एक URL देना है किसी तरह। हाँ वो कुछ ना कुछ वो सैंपल कोड जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ। अरे क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। नेम एंड यू आर एल ऐसे करके भी दे सकते हैं, गुड। अच्छा इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट करके नेम एंड यू आर एल दे दो। यार ये तो डॉक्यूमेंट, यही तो मैं ढूंढ रहा था जब से। ये लेफ्ट में राइट में नहीं क्लिक करना। हाँ ये सारा यहाँ पे ना सब दिया हुआ है इन्होंने, मीडिया रिस्पॉन्सेज। अब इसमें कैराजोल वगैरह भी होगा, ब्राउजिंग कैराजोल, यही तो मैं जब से ढूंढ रहा था, यही तो नहीं मिल रहा था मुझे। थैंक यू सो मच यार। ये लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये डायलॉग फ्लो एसडीके के अंदर की चीज है, ठीक है। ओके ओके गॉट इट। अच्छा तो मैं अब क्या करने लगा हूँ? लिंक आउट सजेशन। यार ऐसे भी तो एक इसमें कॉमा डाल के ऑप्शन होना चाहिए था। वेल ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं। न्यू सजेशंस, ओके मैंने सजेशन लिखा हुआ है ना, जब भी तो नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे लिंक आउट सजेशन लिखना है ना। बोल रहा मुझे ऑप्शन क्यों नहीं शो कर रहा है। अच्छा अब मुझे ये ऑप्शन शो करेगा ना लिंक देने का। हाँ ये रहा। Exactly. आप ऑब्जेक्ट डालना है। हाँ अब ये ऑप्शंस में अभी क्या बोल रहा है ये कि ऐसे मुझे ऑप्शंस पास करो और उसकी टाइप क्या होगी, लिंक आउट ऑप्शंस उसकी टाइप होगी, लिंक आउट ऑप्शंस उसकी टाइप होगी, ठीक है। अभी लिंक आउट ऑप्शंस जो है यार ये क्या हो रहा है, लिंक आउट ऑप्शन को मैं जैसे ही रिक्वायर कर रहा हूँ ये पागल हो जा रहा है।
सर अभी कितना और पैसे लगेंगे? बस यार शायद 20 मिनट और लगेंगे हमें। वेल लिंक आउट सजेशन जो है वो इंटरफेस है, इस वजह से वो रिक्वायर नहीं हो रहा। इसको मुझे ना ऑब्जेक्ट ही देना है एक्चुअली। क्या था यार, यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं। नेम एंड यूआरएल, नेम एंड यूआरएल। मोर अबाउट होटल, और मैंने इसको बोल दिया कि यार hotel.sysbot.com। अच्छा ये मैंने लिंक आउट लगा दिया भाई। अच्छा अब इसके अलावा, लिंक आउट के अलावा मुझे यहाँ पे कुछ पिक्चर वाली चीज़ भी मुझे दिखानी हो तो मैं वो दिखा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा वो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, वो मैं ये कैरोजल कार्ड वाला जो मेरे पास ऑप्शन है उसके ज़रिए मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एक है हमारे पास बेसिक कार्ड। बेसिक कार्ड का सीन क्या है, उसके अंदर एक इमेज, एक टाइटल और उसके साथ डिस्क्रिप्शन कुछ ना कुछ है, और एक बटन है जिस पर कोई ना कोई हम एक्शन लगा सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है, जो बटन पे हम कोई ना कोई यूआरएल लगा देते हैं उसके क्लिक पे वो क्या करता है, वहाँ पे मुझे लेके चला जाता है उस यूआरएल पे। अच्छा कुछ इस तरह से दिख रहा होता है ये बड़ी वाली स्क्रीन पे, बेसिक कार्ड ही हमारा हो चुका है। उसके बाद है कैरोजॉल। यार कैरोजॉल और ब्राउज कैरोजॉल दो अलग अलग थे, इसमें कैरोजॉल नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ब्राउज कैरोजॉल नज़र आ रहा है। वेल A browsing carousel is a rich response that allow user to scroll vertically and select a tile in collection. अभी एक सिर्फ carousel भी तो था यार, वो किधर कर दिया उन्होंने। ये राइट में carousel पड़ा है। हाँ ये रहा carousel, ये ढूंढ रहा था मैं। अच्छा तो भाई सही है, ये कैरोजॉल मेरा ख्याल है हमारे केस में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ये वाला लगाया है मैंने इसको कमेंट कर दूँगा और कैरोजॉल मैं इसमें सेलेक्ट लगाऊँगा इस बारी। अच्छा कैसे मुझे करना होगा, मुझे कॉन्वो डॉट आस्क, ठीक है, और इसका नाम क्या है, कोड एग्जांपल में चलते हैं। न्यू कैरोसेल, हाँ न्यू कैरोसेल नाम है इसका, ठीक है। इसी वाले को ही पूरा उठा लेते हैं हम। अच्छा कैरोसेल और ब्राउज कैरोसेल सेम ही है मतलब? नहीं इस वो अभी फर्क है, अभी हम देखते हैं वो क्या फर्क है। अच्छा ओके, क्योंकि ये कह रहा है कि उसमें आप और मजीद आइटम्स ऐड कर सकते हैं ब्राउज कैरोसेल में। नहीं इसी में कैरोसेल में ही यू कैन ऐड अ सेकंड आइटम, ऐड अ थर्ड आइटम लिखा है ना, तो मैं इसके लिए सोच रहा था कि ये कैरोसेल ही ब्राउज कैरोसेल होता होगा अगर मैं उसमें मल्टीपल आइटम ऐड करता हूँ। अच्छा अब ये कैरोसेल का टाइटल मेरे पास होगा, मैंने बोला कि भाई रूम टाइप्स अवेलेबल रूम टाइप्स बोल के, ठीक है भाई अवेलेबल रूम टाइप्स बोला मैंने। और अभी आइटम मेरे पास जो हैं वो आइटम्स हैं एक्चुअली, ठीक है, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। अब आइटम नंबर 1 में सबसे पहले मेरे पास क्या है, सिलेक्शन की। अब सिलेक्शन की में मैंने क्या बोलना है इसको कि अच्छा सिलेक्शन की यूनिक होनी चाहिए तीनों के अंदर, और जब बंदा उसको क्लिक करेगा ना तो यही सिलेक्शन की जारी होगी ना वहाँ पर। अच्छा तो मैंने इसको कह दिया कि भाई VIP, ठीक है। अच्छा हम एक बार यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं कि ये सिलेक्शन की जो मैं समझ रहा हूँ क्या वाकई वही है, कहीं गलत डेटा ना दे दूँ ना मैं। ओके अच्छा की के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है, वाह भाई क्या बात है।
चलो ये भी सही है फिर। अच्छा जो मतलब दैट कैन आल्सो बी कस्टम सिलेक्शन अंडरस्कोर की अंडरस्कोर एनीथिंग इज द नेम। अच्छा जब कैराजोल को सेलेक्ट करते हैं ना तो ये की मुझे मिल रही होती है एक्चुअली में, तो इसको हैंडल भी फिर बाद में इस तरह से करना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं इसको ढूंढ रहा था कि थोड़ा सा इसको इसकी हैंडलिंग बाकियों से थोड़ी सी अलग है, इसको ना इस तरह करके हैंडल करना होता है, ये सारे कीज मुझे फिर लगाने होते हैं यहाँ पे। ये राइट में उसका index.js GitHub पे काम पे पड़ा है वो लिखा है, सो वहाँ से शायद और मिला। ठीक है, एक कैरेजल है, एक कैरेजल ऑप्शन करके इन्होंने बनाया हुआ है। ओके अभी सिनोनियम में मैं उसको बोलूँगा कि लग्जरी और डीलक्स, बस दो लगा देते हैं काफ़ी रहेगा। ठीक है, इसका जो टाइटल होगा वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहा होगा ज़रा यहाँ देख लेते हैं एक नज़र। फ़ोन पे ये टाइटल इस तरह से डिस्प्ले हो रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा VIP रूम आवर VIP रूम आर सिमिलर टू रेजिडेंशियल सुइट्स। SUITE सही लिखा है मैंने, SUITE ES। ओके इमेज आ गई है हमारे पास, अब मुझे इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट चाहिए, इमेज शोइंग अ VIP रूम इन होटल। अच्छा अब इमेज के लिए मुझे चाहिए एक अदद URL, मैंने कहा VIP रूम सही है जी, ये मैंने एक पिक्चर इसमें से सेलेक्ट कर ली और ये पिक्चर काफ़ी लो क्वालिटी की है, ये वाली कर लेते हैं। अच्छा यही तो नहीं लग रही है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये मैं न्यू टैब में गया तो ये मुझे लिंक मिल गया है यहाँ से। अब ये लिंक जो है मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अच्छा वैसे असूलन होना ये चाहिए कि मैं फायरबेस स्टोरेज में जाके अपनी इमेज को वहाँ पे प्लेस करूँ और वहाँ से जो मुझे होस्टिंग URL मिले ना वो लगाऊँ, क्योंकि इस URL का कोई भरोसा नहीं है कब तक ये अवेलेबल रहे, क्योंकि ये आपने देखा कि अली एक्सप्रेस की कोई प्रोडक्ट है जिसकी ये पिक्चर है, तो जिस दिन वो प्रोडक्ट मार्केट से हटेगी ना उस जगह से अली एक्सप्रेस के स्टोर से, तो ये इमेज भी ख़त्म हो जाएगी उसी दिन, तो इस तरह करके इमेज लगाना इनअप्रोप्रिएट है। तो हम ये करके देख चुके हैं पहले इससे कि फायरबेस में अपना डेटा हम कैसे रखते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद मैंने कहा कि रेगुलर, और रेगुलर में भी मैं सारा यही कुछ लिखूंगा, रेगुलर और नॉर्मल रेगुलर रूम और रेगुलर रूम आर सिमिलर टू स्टैंडर्ड रूम बट विथ मोर लग्जेरियस। अबे क्या ये रोबोटिक्स सा बना रहा है, छोटी कभी रूम आर क्लीन पीसफुल एंड क्लासी CLASSY क्लासी चाहिए पता। यहाँ पे मुझे एक अदद और इमेज चाहिए स्टैंडर्ड होटल रूम, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये मुझे मिला यहाँ से लिंक और ये लिंक मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज शोइंग रेगुलर रूम इन होटल गुड।
यहाँ पे मैंने लिख दिया इकॉनमी, ये सिनोनिम्स मैं ओनली के लिए सिनोनिम्स है या ये चिप्स के लिए सिनोनिम्स है? एक्चुअली होगा ये कि अभी बंदा जैसे स्क्रॉल कर रहा है ना, तो वो उस पर टैप कर सकता है, लेकिन टैप करने के अलावा अगर उसने बोला कि इकोनमी राइट, तो वो भी सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब उन उनमें से सेलेक्ट हो जाएगा वो, समझ रहे हो आप? ऐसे सही, मतलब ये एसेंशियली दीज आर लाइक उसको दिखने में इकोनॉमी दिखेगा, लेकिन अगर बंदे ने बोला इकोनॉमी या बजट तो भी वही चीज़ होगा। अभी जैसे ये कार्ड आपको दिख रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कार्ड पे किसी भी एक पे टैप करोगे आप, राइट? कार्ड पे आप किसी भी एक पे टैप कर दोगे, बट मैंने टैप नहीं किया, मैंने कुछ बोला, तो बोलने का फिर क्या मतलब हुआ? अभी इसको कौन सा वाला समझेगा? तो इसलिए सिनोनिम्स हम दे रहे हैं कि अगर ये जो ये वाला है, ये वाला जो कार्ड है जो टॉप राइट पे दिख रहा है मुझे, अभी अगर मैं गूगल होम बोल देता हूँ ना, तो उसका मतलब है इस कार्ड पे मैंने टैप कर दिया है। सही, तो ये इस वजह से सिनोनिम हम उसको दे रहे हैं। सही सही, सो हम ये एसेंशियली कार्ड के सिनोनिम्स हैं, ये दिस इज नॉट इक्वल टू द सिनोनिम्स दैट वी हैव पुट इन पैरामीटर्स। हाँ, तो अगर पैरामीटर्स में दिए हुए हैं तो ये वापस देना लाजमी है? नहीं, एक्चुअली इसका ना पैरामीटर से ताल्लुक नहीं है, इसका फ्रंट एंड से ताल्लुक है, समझ रहे हो आप? फ्रंट एंड से ताल्लुक है इसका। देखो, अगर इसको समझना कि अगर बंदे ने कार्ड पे टैप नहीं करा, बोला बंदे ने, तो उसको वो क्या समझेगा? मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये कैरोसेल आया तो उससे पहले कोई इंटेंट चला, उसके रिस्पांस में मुझे कैरोसेल आया, ठीक है? तो अगर कोई इंटेंट चला है तो मतलब उसके पैरामीटर्स एक्टिव हैं। अगर मैंने पैरामीटर्स दिए हुए हैं और उसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं तो वो एक्टिव होने चाहिए। तो अगर मैं कुछ बोलूँ तो उसको समझना चाहिए, ये मैं समझूँगा। सही समझ रहा हूँ, गलत समझ रहा हूँ? ठीक है, आपने आपने सोचा कि मैं क्योंकि बोल के रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट अगर फिर किसी ने कार्ड पे क्लिक कर दिया तो फिर आप क्या करोगे? हाँ, तो मतलब कार्ड पे क्लिक किया तो वाइस वर्सा है ना, पीछे दिया हुआ है ना, क्लिक किया तो पीछे दिया हुआ है। अगर बोला तो मेरा इंटेंट चला था, उसके रिस्पांस के जो पैरामीटर्स हैं वो चलेंगे। तो अभी अभी एक्चुअली ये जो हम सिनोनिम्स दे रहे हैं ये कार्ड के चक्कर में दे रहे हैं। अगर बंदे ने सिनोनिम बंदे ने मिसाल के तौर पर अगर डायरेक्टली बोल दिया तो मसला हल है हमारा, बट ये सिनोनिम हम कार्ड के चक्कर में दे रहे हैं। अभी हम उसको ज़रा कंप्लीट करते हैं, हो सकता है आपका उसके बाद क्वेश्चन ये वाला क्लियर हो जाए। सही है, फिर एक बार कमेंट करके चेक कर लेंगे कि सिनोनिम्स कमेंट करने के बाद अगर हमारे एक्शन के मतलब इंटेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो दिए हुए हैं उससे चलता है या यहाँ पे वापस देना लाजमी। इकॉनमी सा हम काफ़ी इकॉनमी सा रूम देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने कैरोसेल कार्ड यहाँ से बनाकर इसको भेज दिया। अब इसको ज़रा हम टेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले इतना ही जितना बना चुके हैं। मैंने कहा रीसेट टेस्टिंग, टॉक टू होटल बुकिंग, ओके, हियर्स द टेस्ट वर्जन ऑफ होटल बुकिंग, बुक रूम, ओके, व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक, वी हैव वी आई P, regular and economy. What are you doing?
मेरे पास कैरोसेल कार्ड तो आया ही नहीं. कैरोसेल इज नॉट डिफाइंड. ओके ये कैरोसेल ये कह रहा है कि इसको इसको मिला ही नहीं है कैरोसेल. नहीं हमें ऊपर ऊपर हमने कैरोसेल मंगवाया नहीं है ना. सजेशंस के अकाउंट ले कैरोसेल नहीं मंगवाया. यस यस दैट्स द रीजन. बुक रूम मैंने बोला आपकी बार इसको. Please tell me what type of room good. Would you like to book? We have VIP, regular and economy rooms available. अच्छा अब ये मेरे पास ना इस तरह से कैरोसेल कार्ड आ गया है. सही. अच्छा फोन पे पहले कैरोसेल कार्ड ना हॉरिजॉन्टली आता था. ये थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट बिहेवियर दिख रहा है मुझे. मैं इसको जरा कैरोसेल कार्ड लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल है और लिस्ट जो है वो वर्टिकल है. स्पीकर सॉरी स्पीकर नहीं स्मार्ट डिस्प्ले करके मैं ज़रा अभी देखता हूँ कि उसमें कैसा आ रहा है ये. सही. All right, let's get the test version of hotel booking. Hi. Please tell me what type of room would you like to book? We have VIP, regular and economy rooms available. अच्छा असल में मैंने हमने फोटो भी ना एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से नहीं दिए इनके. वो हमने थोड़ी रैंडम फोटो दे दी है तो वो पहले इसको अच्छी तरह हैंडल कर रहा है स्टिल. ये साइड में ब्लर ऐड किया इसने. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बट इन्होंने सही हैंडल किया. अच्छा किया. अच्छा मैं फ़ोन पे भी इसको टेस्ट कर सकता हूँ अपने. अगर किधर चला गया. हाँ यही है. मैं अपने फ़ोन पे भी अगर गूगल असिस्टेंट यहाँ पे खोलूँ. स्क्रीन शेयर कर लो. ये असिस्टेंट अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ. टॉक टू होटल बुकिंग. Hey Google. Assistant. How can I help you? Here's your profile picture. Book a room. Please tell me what type of room would you like to book? अच्छा यहाँ तो सही खोला है इसने. काफी सही खोला है. फोन पे बट सिमुलेटर में थोड़ा अलग दिखा रहा है रिस्पॉन्स. तो अभी आप समझ सकते हैं कि जो है ना ये मामला इसके थोड़े से आउट ही हैं. उसको उस सिमुलेटर पे उतनी रियल एस्टेट नहीं मिली होगी एक्चुअल फोन पे. तो वेल हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है और एक्चुअल फ़ोन जो डिवाइस है उसके ऊपर जो चीज़ आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है. अच्छा अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब अगर मैं इस पे इसमें बोलूँगा कि मुझे VIP रूम दो तो ये कैसे बिहेव करेगा. मैं टैप करूँगा तो ये कैसे बिहेव करेगा. तो पहले मैं इसको बोल के देखता हूँ लिख कर या बोल के देखता हूँ. VIP रूम एंटर. ठीक है मैंने मैं बोल के देख रहा हूँ. राइट. एक्सप्रेस JS आई डिडंट अंडरस्टैंड कैन यू टेल मी समथिंग एल्स. ठीक है अब आप नोट कीजिए मैंने उसको VIP रूम बोला है बट उसको ना कोई भी पैरामीटर नहीं मिला. ठीक है ये नोट करने वाली बात है कि इसको कोई भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं मिला. अच्छा मैं टैप करूँगा तो भी उसको यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं मिलेगा क्योंकि कैरोसेल के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो थोड़े मुख्तलिफ तरीके से हैंडल होते हैं. अच्छा वो कैसे हैंडल होते हैं भला. कि मुझे जो है ना एक इंटेंट बनाना पड़ता है मेरे डायलॉग फ्लो में जाके. अभी वो भी थोड़ा मेरे जहन से निकल गया कि वो कैसे करते थे. वेल आई वुड स्टिल ट्राई कि जो है ना इसको हम चेक करें. अच्छा ये जो मैंने लगाया था ना 134 पे ये मैंने इसी पॉइंट पे आने के लिए इसी पॉइंट के लिए मैंने ये लगाया था कि जो मेरे पर रिक्वेस्ट आ रही है ना उसमें इंटेंट का नाम क्या आ रहा है वो मैं देख पाऊँ. तो मैं इसको खोल देता हूँ ताकि मुझे पूरा फुल फ्लैश जो है ना वो रिक्वेस्ट की बॉडी मुझे दे वो. और मैं ज़रा इसको शुरू से चलाता हूँ कि जब मैं टैप करता हूँ तो मुझे वो इंटेंट का ना अलग नाम दे रहा होता है. मैंने कहा भाई होटल बुकिंग. All right, here's the test version of hotel booking. Hi, Insamam Malik. I am your hotel booking assistant. How can I help you? देख रहे हैं आप डिस्प्ले नेम यहाँ पे इंटेंट का ना आ रहा है डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट.
जो अभी मैंने स्टार्ट किया उसको, तो ऐसे करके ये मुझे यहाँ पे रिस्पांस दे दिया इसने। अच्छा अब मैं इसको बोलूँगा बुक रूम, तो मुझे इंटेंट का नाम पता चल जाएगा और एवरीथिंग जो भी कुछ आ रहा है मुझे इस पॉइंट पे ये पता चल रहा होगा। ठीक है, कहाँ से रिक्वेस्ट आई है? We have VIP, regular and economy rooms available. ठीक है, क्वेरी टेक्स्ट बंदे ने क्या बोला था वो मुझे मिला है यहाँ पे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पे मिल रही है। इंटेंट का जो नाम था वो मुझे मिल रहा है। इंटेंट का जो नाम है बुक रूम है इस वक्त राइट नाउ, जो मुझे इंटेंट का नाम मिल रहा है। अब जो मेरे पास रिस्पांस आएगा ना, वो रिस्पांस मैंने देखना है कि उसमें इंटेंट का मेरे पास नाम क्या आ रहा है। मैंने इसको बोला VIP रूम, एंटर। अब जो मेरे पास रिस्पांस आने लगा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्रेस JS, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू टेल मी समथिंग एल्स। अच्छा, अब मेरे पास जो इंटेंट का डिस्प्ले नेम आया है वो डिफ़ॉल्ट फॉलबैक इंटेंट आया है। ठीक है, उसको ना वो मिल ही नहीं रहा कि कौन सा इंटेंट हिट हुआ है। ठीक है, उसको ये मिल ही नहीं रहा। ओके अच्छा, अब होता क्या है इसके लिए ना, मुझे डायलॉग फ्लो में एक अलग से इंटेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, मैं डायलॉग फ्लो पे आऊँगा, सेव करूँगा इसको, और सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया इंटेंट बनाऊँगा। इसके अंदर मैं नाम लिखूँगा, जो भी कैरोसेल की स्पेलिंग क्या थी, CAROUSEL, कैरोसेल। ठीक है, कैरोसेल डैश ऑप्शंस। ठीक है, ऐसे करके एक जनरल सा कोई भी मैं नाम रख दूँगा इसके अंदर, और इसको मैं सेव कर दूँगा। अच्छा, सेव करने के बाद आप यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि भाई आप इसके रिस्पांस को आप हैंडल कैसे करोगे। अच्छा, व्हेन यूज़र सेलेक्ट एन आइटम द सेलेक्टेड आइटम वैल्यू इज़ पास्ड टू यू एज एन आर्ग्यूमेंट, इन द आर्ग्यूमेंट वैल्यू यू विल गेट द की आइडेंटिफायर फॉर द सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, अच्छा अब आप नोट करें यहाँ पे जो इंटेंट का नाम है ना, इसने अलग ही लगाया हुआ है, इन लिस्ट डैश ऑप्शन करके लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने अलग से यहाँ पे इंटेंट का नाम लगाया हुआ है। अब ये इंटेंट को कनेक्ट कैसे करते थे, ये मेरे बिल्कुल ध्यान से निकल गया, ये इसको हम कनेक्ट कैसे करते थे यार, इसको कनेक्ट कैसे करते थे हम इसको हमें शायद यहीं पे कहीं पे बताना पड़ता है यार कि यहाँ पर हम उसे की देंगे ना पहले। नहीं, की तो हमने दे दी है वो, लेकिन एक इंटेंट हिट करता है ये इसके बाद, वो इंटेंट मुझे उसको बताना है यहाँ पे ना किसी जगह पे, कि जो कैरोसेल का मेरा रिस्पांस है ना वो किस इंटेंट में आए, ऐसे करके मुझे यहाँ पे ना कुछ बताना पड़ता है। एक दफ़ा ज़रा शुरू से इसको पढ़ लेते हैं हम। गाइडेंस 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 must have an intent for touch input ये तो मैं लिस्ट में आ गया, कैरोसेल से शुरू करता हूँ। द कैरोसेल हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल दिस 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 विजुअली कंपेलिंग प्रॉपर्टीज सपोर्टेड फॉर सरफेस दिस 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 कैरोसेल मैक्सिमम नंबर 10 टाइल मिनिमम नंबर 2 टाइल इमेज बताते हैं टाइटल बताते हैं इंट्रैक्शन स्वाइप लेफ्ट राइट डिफरेंट कार्ड टैपिंग आइटम सिंपली जनरेट्स अ चैट बबल विद द सेम टेक्स्ट एज द एलिमेंट टाइटल मस्ट हैव एन इंटेंट। हाँ, ये वाला जो है ना, मस्ट हैव एन इंटेंट फॉर टच इनपुट दैट हैंडल्स दिस 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 इवेंट। ओके गॉट इट, ये इवेंट हम इसके अंदर लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये इवेंट जो है ना ये हम लगा रहे होते हैं। क्या इवेंट का नाम था? एक्शन अंडर स्कोर इंटेंट, एक्शन अंडर स्कोर एक्शंस अंडर स्कोर इंटेंट अंडर स्कोर ऑप्शंस। ठीक है, ये ऑप्शन। अच्छा, ये अभी जो पार्ट है डॉक्स का वो जरा लिंक भेज देंगे प्लीज।
अभी जो पार्ट है डॉक का ये वाला, ये आपने ही तो भेजा मुझे। हाँ लेकिन इसको वो अभी जो पार्ट है ना ये इंटरेक्शन वाला वहाँ पे चाहिए। ये मैं भेज दूँ आपको? हाँ अभी भेज देता हूँ। ये मुझे याद आ गया अभी, ये डॉक्यूमेंट में इन्होंने अच्छा हुआ लिखा हुआ है, वरना ये इस तरह की चीज़ है ये तो ब्रांच से निकल जाती है। अच्छा वेल अब होगा क्या, अब जब भी बंदा ना ये सेलेक्ट करेगा तो मेरे पास ना ये इंटेंट पे पहुंच जाएगा बंदा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा ये इंटेंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं उसका रिस्पांस हैंडल कर रहा होऊंगा, इसमें मुझे कोई यूज़र इनपुट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट मुझे यहाँ पे फुलफिलमेंट इनेबल करने की ज़रूरत है। सेव। अच्छा पूरे पूरे ऐप में कहीं पे भी किसी भी कैरोसेल पे क्लिक होगा तो यही इंटेंट हिट होगा, ठीक है। ये रूल ऑफ थम आपका आ गया, ठीक है। कैरोसेल क्योंकि रिच रिस्पॉन्सेज हमने आज डिस्कस करना था, तो कैरोसेल जो है ना वो सबसे टिपिकल किस्म का एक रिच रिस्पॉन्स है। बाकी तो सारे सिंपल्स हैं, कार्ड है, इमेज है, वो तो ठक ठक सिंपल भेजते हैं आप, एक बटन दबाते हैं उस पर URL खुलता है। बट कैरोसेल कार्ड जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस सेंस में कि उसका इनपुट जो हम पकड़ रहे होते हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ तरह से पकड़ा जा रहा होता है। अब ये कैरोसेल ऑप्शन को ना जी जी बोलो। सॉरी मैं ये पूछने वाला था कि अलग अलग कैरोसेल्स अगर करेंगे तो कैसे, लेकिन मैं मेरे जहन में आ गया वो कि अलग अलग इंटेंट्स बनाएंगे ऑप्शंस वाले और उसको वही इवेंट से लाइक उस नहीं 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 इंटेंट एक ही रहेगा, इंटेंट चेंज नहीं होगा। पूरी ऐप में कहीं पे भी कैरोसेल पे क्लिक होगा ना तो यही चलेगा, यही इंटेंट चलेगा। अभी इस इंटेंट में मैं बता रहा हूँ अलग अलग को चेक कैसे करना है आपने, वो की के जरिए चेक होगा ना अलग अलग। नहीं मैं इस कैरोसेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये तो अभी हमने यू नो इसको रूम टाइप के लिए कैरोसेल देखा है। अब मैं इसको मेरे लोकेशंस है, समझिए तीन लोकेशंस है, तो मैंने उसको लोकेशन के लिए अगर मुझे कैरोसेल कार्ड दिखाना है तो उनके ऑप्शंस कैसे लिंक करेंगे, तो मैं वो सोच रहा था। हाँ अभी मैं वो बता रहा हूँ कि कैसे होगा वो। अच्छा तो अभी जब भी मैं कैरोसेल पे इसमें मैं बोलता हूँ कॉन्वो डॉट क्लोज, जो भी इसका नाम है, मुश्किल सा नाम है, कैरोसेल आइटम, ठीक है। अभी हम जस्ट इतना कर रहे हैं कि अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि आया कि ये इंटेंट हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। जस्ट अभी इतना करते हैं, फिर इसके अंदर इस इंटेंट के अंदर उसका उसका जो क्लिक हुआ हुआ आइटम है वो कैसे पकड़ेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इतने को मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर हम नीचे आ गए और यहाँ टेस्टिंग पर दोबारा गए, इसकी टेस्टिंग को हमने रीसेट किया, रीसेट करने के बाद हमने कहा टॉक टू होटल बुकिंग ऐप, Okay, let's get the test version of hotel booking. Hi, Insom. Book room, enter. Please tell me what type of room would you like to book? We have VIP, regular, अभी and economy जो मैं intent हूँ book room के ऊपर हूँ, right? अभी मैं book room वाले intent के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे पास response आ चुका है carousel type का और उसके अंदर मुझे दो तीन items दिख रहे हैं और मैंने रेगुलर रूम पे क्लिक कर दिया, ठीक है, या बोल दिया रेगुलर रूम, एक ही बात है। You clicked on a carousel item. ठीक है, तो अब मेरे पास जो यहाँ पे हिट हुआ है इंटेंट वो कौन सा इंटेंट हिट हुआ है, कैरोसेल ऑप्शन हिट हुआ है, ठीक है। और कैरोसेल ऑप्शन में मैंने जस्ट ये बोला हुआ था कि यू क्लिक्ड ऑन अ कैरोसेल आइटम, बट ये जो रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, क्योंकि मैंने ये रॉ रिक्वेस्ट पकड़ी हुई है ना, जो रॉ रिक्वेस्ट पूरी आती है ना मेरे पास, मेरे सर्वर पर जो पहुंचती है, मैंने पूरे को किया हुआ है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा होगा, वो आइटम भी दिख रहा होगा एक्चुअली मुझे इसमें कहीं ना कहीं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा होपफुली, वो कॉन्टेक्स्ट मुझे दिख नहीं रहा है। वेल अभी हम ये डॉक्यूमेंट से ही देखेंगे कि वो कैसे पकड़ने आता है। ये मैं उस डॉक्यूमेंट में वापस आ गया और उन्होंने बोला कि अभी ना इस ऑप्शन वाले इंटेंट में आके ना आप जो भी आपने बनाया अपनी मर्ज़ी का, अब उसके अंदर आप बनाएंगे ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्स्टेंट सेलेक्टेड आइटम रिस्पॉन्स, ऐसे करके हम इसको बना देंगे।
सही है, इसको मैंने बना दिया। मेरा जो ऑप्शंस वाला था उसके अंदर, अब इसके अंदर सारी कीज़ मौजूद हैं, मैं एक एक करके की उठा लेता हूँ यहाँ से। जो की मैंने रखी थी ना वही मुझे लगानी होगी यहाँ पे भी, वरना वो सही काम नहीं करेगा। पहली की थी मेरे पास VIP, सही है, रेगुलर है और इकोनॉमी है। तो मेरे पास पहली की है VIP और दूसरी की है मेरे पास रेगुलर, ठीक है, तीसरी की है मेरे पास इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा VIP अगर बंदे ने बोला है ना, तो उसके अगेंस्ट मैंने एक यहाँ पे वो लगा लिया है कि भाई यू सेलेक्टेड VIP रूम, ऐसे करके सही है, यू सेलेक्टेड VIP रूम, यू सेलेक्टेड रेगुलर रूम। यू सेलेक्टेड रेगुलर रूम, यू सेलेक्टेड इकोनॉमी रूम, ठीक है, ऐसे करके मैंने लगा दिया। अब आगे इसने क्या बोला कि आप कॉन्वो डॉट आस्क ऐसे करके बोलो, अच्छा कॉन्वो डॉट आस्क करके ना सेलेक्टेड आइटम का रिस्पॉन्स और साथ में ऑप्शन। अभी ये जो ऑप्शन है ना, इसमें कौन सी की मिलेगी, ये VIP या रेगुलर या इकोनॉमी, कोई एक ऑप्शन में ना कोई एक की मुझे मिल रही होगी यहाँ पे। तो कॉन्वो डॉट आस्क करके ना मैंने बोला कि भाई क्या यू सेलेक्टेड VIP रूम, एक्चुअली ना ये यहाँ पे ना जुमला मेरे आ रहा होगा कि यू सेलेक्टेड VIP रूम, इस तरह करके पूरा जुमला मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में विच रिस्पॉन्स वुड यू लाइक टू सी नेक्स्ट, ऐसे करके एक बात कह दी। तो मैं इसमें मैं इसको इस तरह नहीं करता, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। यू क्लिकड ऑन कैरोसेल आइटम पहले कर देता हूँ, ठीक है, यू क्लिकड ऑन कैरोसेल आइटम, और फिर मैं बोलता हूँ यू सेलेक्टेड VIP रूम, ऐसे करके मैं बोल देता हूँ। अच्छा इतने को सेव करते हैं और इतने को आप टेस्ट करते हैं कि आया कि वो रिस्पॉन्स यहाँ पे पकड़ में आ गया है कि नहीं आ गया इस ऑप्शन में। अच्छा इस ऑप्शन को मैं कॉन्सोल भी करा लेता हूँ थोड़ा सा पहले, कॉन्सोल डॉट लॉग, इस ऑप्शन में मुझे एग्जैक्टली मिल के आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन कि ऑप्शन में मुझे जो कुछ भी मिल रहा है उसको मैं क्या करवा दूँगा यहाँ पे एग्जैक्टली इसी तरह से कंसोल करवा दूँगा। मैंने कहा टॉक टू होटल बुकिंग, ऑलराइट गेटिंग द टेस्ट वर्जन ऑफ होटल बुकिंग। हाय इंसा मैम मलिक, Please tell me what type of room would you like to book? We have VIP, regular and economy rooms available. सही है, मैंने कहा regular room. You clicked on a carousel item. You selected regular room. ठीक है, अच्छा अब जरा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे इस कॉन्सोल में मुझे ये ऑप्शन के कॉन्सोल में एग्जैक्टली मुझे क्या मिला। ये ऑप्शन का कॉन्सोल मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, मुझे इसके अंदर रेगुलर वो एग्जैक्टली वो की मिल गई जो मैंने कहाँ पे लगाई हुई थी, जो मैंने यहाँ इसके साथ ये की लगा कर दी हुई थी ना रेगुलर, ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब इस रेगुलर के अंदर जो भी आइटम्स हैं वो सारे मुझे पता चल गया, अच्छा बंदे ने ये वाला सेलेक्ट किया। अच्छा लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि ये वाले अब मैं कैसे इनपुट लूँ इस बंदे से, ये वाली चीज़ें ये तो प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए। अभी अगर मैंने बोला यू सेलेक्टेड रेगुलर रूम, अब मैं अगर आगे बोलूं कि वी आर 3 पीपल, प्लीज टेल मी व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक, वी हैव VIP, रेगुलर एंड इकोनॉमी रूम्स अवेलेबल। ये क्लोज हुआ था, असल में कन्वर्सेशन ही क्लोज हो गई पूरी, मैंने रेगुलर रूम सेलेक्ट किया। You clicked on a carousel item. You selected regular room. I'm coming tomorrow. अगर मैं बोलता हूँ तो वो intent पे तो जाएगा।
Please tell me what type of सही है, room मगर वो मुझे like उसी कैरोसेल पे दोबारा लेकर आ जा रहा है। Regular and economy rooms available. हाँ भाई, अब ये तो पंगा हो गया। मैंने यहाँ पे ये वाला जो था ना, if not room type, ये तो मैंने room type तो पकड़ लिया बंदे से, ठीक है, लेकिन मैं ये intent छोड़ के दूसरे intent में चला गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है ये काम करने के लिए? जी सलील, कोई आइडिया? हम इसको सब इंटेंट बना सकते हैं ना, वो ऑप्शंस को इसका सब इंटेंट, हाँ, या फिर कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास इस चीज़ को हैंडल करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। नंबर एक काम मैं ये कर सकता हूँ जो सलील ने कहा, मैं उसी को नंबर वन पे रखता हूँ, कि नंबर वन तो ये हो सकता है कि मैं इसी वाले इंटेंट को, जो कैरोसेल ऑप्शंस हैं, इसी में मैं बाकी का जो इनपुट है वो सारा ले लूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंटेंट मेरा बिल्कुल ख़ाली है। इसके अंदर मैं आऊँगा, नीचे सारे प्रॉम्प्ट्स मैं डिफ़ाइन कर दूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रहेगी, इसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि कल को किसी दूसरे जगह से भी कोई कैरोसेल पे प्रेस करता है ना, तो यही इंटेंट हिट होगा। अब ये तो उस केस में भी फिर ये होटल बुकिंग के पैरामीटर्स लेना शुरू कर देगा, तो ये तो मसला हो जाएगा। अच्छा, उस केस में भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि इसमें मैं कॉन्टेक्स्ट लगा दूँ, कॉन्टेक्स्ट इनपुट लगा दूँ कि होटल बुकिंग करके मैंने कॉन्टेक्स्ट लगा दिया, सही है। तो अब उससे होगा ये कि सिर्फ बुकिंग वाले कॉन्टेक्स्ट में ये चलेगा, किसी और केस में ये चलेगा ही नहीं। और मैं बुक रूम से क्या कर दूँ, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट आउट कर दूँ बुकिंग, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉन्टेक्स्ट आउट कर दिया। तो जब रूम बुक अगर करने की कोई बात शुरू करेगा, ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जब कैरोसेल पे क्लिक होगा तो ये, अब इसका नाम भी मैं मुझे शायद चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, बुकिंग कैरोसेल कर देना चाहिए इसका नाम अब मुझे, ठीक है, यहाँ पे भी चेंज कर दिया नाम मैंने, सेव का बटन दबा दिया, और यहाँ पे भी मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, रूम कैरोसेल नहीं, या बुक रूम कैरोसेल, हाँ ठीक है, बुकिंग पता चल रहा है कि ये बुकिंग वाला कैरोसेल है, वैसे सही कह रहे हैं, बुकिंग रूम कैरोसेल होना चाहिए था ये, बट ठीक है, ये भी सही है, तो अभी इसको मैंने क्या कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया। इनकैप्सुलेट करने से मुझे अब बेनिफिट ये होगा कि ये वाला जो इंटेंट था ऑप्शन का, ये मेरे लिए ही रिजर्व हो गया, इसको कोई दूसरा इंटेंट अब इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मैं किसी अगर मैं किसी भी दूसरी जगह पे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें इवेंट मुझे देना पड़ेगा वही ऑप्शंस वाला, ठीक है, ताकि वो, यानी कि जाहिर है अगर वो इंटेंट होगा नहीं तो फिर चलेगा ही नहीं आगे, तो मुझे एक नया इंटेंट बनाना पड़ेगा बाकी पूरी ऐप के लिए, अगर किसी और जगह पर कोई कैरोसेल हिट होता है तो, ठीक है भाई, ये वाली बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि वंस मेरे पास ये चीज़ आ जाती है, मुझे पता चल जाता है बंदे ने किस चीज़ पे क्लिक किया, तो ये वाला डेटा मैं क्या करूँ, डेटाबेस में या सेशन स्टोरेज में सेव करवा दूँ, ठीक है। सेशन स्टोरेज में सेव करवाने का ना, यहाँ पे एक जगह पे ऑप्शन आ रहा था, कहाँ पे था वो, यहाँ पे कहीं पे हमने देखा था वो, सेशन स्टोरेज में सेव करवाने का उन्होंने बताया हुआ था, ठीक है, वो बहुत बेसिक सी चीज़ है बाय द वे, वो जस्ट एक की और वैल्यू को ना आप सेव करवा सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अभी आप कैसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं कॉन्वो डॉट, पता नहीं सेव करके होता है कुछ इस तरह होता है, कॉन्वो डॉट डॉक्स में सर्च बार में, हाँ वो होता है, बहरहाल बहुत बेसिक सी चीज़ है कोई, तो आप उसमें भी सेव करवा सकते हैं, वो थ्रू आउट द सेशन आपको ना वो मिल रहा होता है, कॉन्वो डॉट सेशन करके होता है, सेशन, अरे कॉन्वो क्या लिख दिया मैंने, ये कॉन्वो डॉट डॉट कॉन्वो डॉट
पता नहीं क्या था, कुछ था कॉन्वो डॉट सेशन डॉट सेव ऐसे करके था कुछ। अच्छा डेटाबेस में भी सेव करवा सकते हैं। अच्छा ये इस तरह की चीज़ों को हम डेटाबेस में सेव नहीं करवाते क्योंकि जाहिर है वो हर दफ़ा रूम बुक करते हुए मुझे उससे पूछना है कि भाई VIP रेगुलर इकोनॉमी हर दफ़ा पूछना है मुझे, ठीक है। डेटाबेस में अगर मैं सेव करवा दूंगा तो वो परमानेंट स्टोरेज हो जाएगा। बट इस तरह के सवाल कि भाई आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, किसी पॉइंट पर आपको पूछना पड़ सकता है कि आर यू मेल और फीमेल, तो वो जब एक बार मेल बोल देना तो वो हमेशा के लिए आप डेटाबेस में उसको सेव करवा देते हो कि यार ये यूज़र ना मेरा फीमेल है या ये यूज़र मेरा मेल है। तो उस तरह की चीज़ों को तो हम डेटाबेस में सेव करवाते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसको हम डेटाबेस में सेव आम तौर पे नहीं करवा सकते, ठीक है। अच्छा दूसरा काम, तीसरा वाला तरीका डॉक्यूमेंट्स में ज़रा दिखा देंगे कि सेशन कैसे कैसे सेव होता है। अभी अभी ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। एक्शंस ऑन गूगल सेशन स्टोरेज, ठीक है, आ जाएगा अभी। ओके स्टोरेज कन्वर्सेशनल एक्शंस सेशन स्टोरेज ये है भाई, कॉन्वो डॉट सेशन डॉट पैराम डॉट एग्जाम्पल ये है। ऐसे करके आप इसको सेव करेंगे ना तो ये सेव भी हो जाएगा और जब इसको कॉन्सोल कराएंगे तो ये कॉन्सोल भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर बट ये सेशन करके मुझे मिल नहीं रहा था। इक्वल टू रेड, ठीक है, मैंने रेड इसमें एक सेव करवा दिया। अब ये थ्रू आउट द सेशन ना ये वाले सेशन में मुझे मिलेगा, कॉन्वो डॉट सेशन, ठीक है। बस इस तरह से जब भी मैं इसको कॉन्सोल कराना चाहूँ। सही, सो मतलब आप ये करोगे कि कॉन्वो डॉट सेशन डॉट पैराम्स डॉट रूम टाइप इक्वल्स ऑप्शन। हाँ ठीक है, इक्वल और ये option. हमारा जो ऑप्शन, यस ऑप्शन, ऑप्शन पे करवा देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा और ये काम करवाने के बाद चूँकि मेरे ये अभी रूम ये सेशन स्टोरेज में जाके सेव हो गया, तो इससे होगा क्या कि ये सिर्फ इसी सेशन के लिए सेव हुआ है। डेटाबेस में तो परमानेंट हो जाता ना, हमेशा के लिए हो जाता, बट ये वाला सिर्फ इसी सेशन में स्टोर हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या लगा देता हूँ, फॉलो अप इंटेंट, कॉन्वो डॉट फॉलो अप। अभी यार इसमें फॉलो अप इंटेंट कैसे होता है, अभी ये भी भूल गया हूँ। टॉप राइट सर्च है ऊपर, अलग से ही सर्च कर लेता हूँ मैं। मेथड फुलफिल वाला जो पहला लिंक लग रहा है वो तो B1 का लग रहा है। फॉलो अप इंटेंट ये आ गया, ये ऊपर वाला नहीं होगा शायद, वो दूसरा वाला जो था। मुझे फॉलो अप इंटेंट का कोड देखना है कि एक्शंस ऑन गूगल में इसका कोड आया कि ये जो है ये डायलॉग फ्लो का खुला है मेरे। हाँ ये डायलॉग फ्लो का खुल गया, यस। इसके नीचे वाला जो था ना ये कॉन्वर्सेशनल एक्शंस का। वेल फॉलो अप इंटेंट से होता ही है कि मैं वापस उसको ना किसी दूसरे इंटेंट पे लेके जा सकता हूँ, यानी वो इंटेंट जो छोड़ कर आया है वो उस पर मैं उसको वापस भी भेज सकता हूँ, राइट। क्रिएटिंग यूजर इंटेंट्स ना यार, इसमें हम तलाश कर लेते हैं, फॉलो अप इंटेंट कहीं ना कहीं इसमें होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग वाले पे ना, यहाँ पे SRC में जाता हूँ मैं और असिस्टेंट कॉमन इंडेक्स, अब तीन है इसके अंदर ना। अच्छा हमें डायलॉग फ्लो वाला चाहिए, अब डायलॉग फ्लो वाले के अंदर हम ये सबको एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके, इसमें कहीं ना कहीं हमें फॉलो अप इंटेंट वाला फंक्शन नज़र आ जाएगा। सही,
फॉलो इसमें तो है ही नहीं, डायलॉग फ्लो एक एक ऊपर से आते हैं, कॉन्टेक्स्ट कॉन्वो डॉट टी एस एक्शंस एसडीके पे भी चेक कर लो, API V2 no. अच्छा ये तो इंटरफेसेस हैं सारे, नेम वेबहुक स्टेट आउटपुट कॉन्टेक्स्ट रीसेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म पेरेंट फॉलो अप इंटेंट, ये कुछ हाथ हो रहा है, रूट फॉलो अप इंटेंट फॉलो अप इंटेंट इन्फो, ये क्या है गूगल डायलॉग फ्लो V2 इंटेंट है ये, यार मैं जब यहाँ फॉलो लिख के एंटर कर रहा था तो ये शो क्यों नहीं कर रहा था, अच्छा ये दोनों इसके मुन्ने लगे हुए ना, केस सेंसिटिव लगा हुआ था यहाँ पे, शिट अभी मुझे दोबारा से सर्च करना चाहिए आई थिंक यहाँ पे आगे। या बीबी केस सेंसिटिव है? नहीं ये केस सेंसिटिव अब हुआ है। अच्छा कॉन्वो कॉन्वो में होना चाहिए, ये आ गया भाई कॉन्वो में, अच्छा कॉन्वो डॉट फॉलो अप सही मिला है मुझे, जो मैंने यहाँ पे फॉलो अप लगाया है मुझे सही मिल गया, फॉलो अप के नाम से है, अच्छा लेकिन 12 हैं टोटल, 12 हैं टोटल फॉलो अप के नाम से, सॉरी कोडिंग सारी वहाँ से उठाई हुई है नेट से, सॉरी ये जो कोडिंग हुई हुई है ये सारी नेट से उठाई हुई है, नहीं ये तो हम लाइब्रेरी के अंदर घुस चुके हैं, मतलब एक्शंस ऑन गूगल की लाइब्रेरी के अंदर जाके देख रहे हैं कि वहाँ कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, हमने इंस्टॉल की थी ना इसके लिए एक्शंस ऑन गूगल की लाइब्रेरी npm i एक्शंस ऑन गूगल किया था, वो उस नोड मॉड्यूल्स में वो इंस्टॉल्ड है और हम उसके अंदर उसकी फाइल्स को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके अच्छा एक फॉलो अप इवेंट है, इवेंट वाला नहीं चाहिए हमें, फॉलो अप इंटेंट चाहिए हमें, अच्छा था तो यही वाला फर्स्ट वाला जो था सबसे, हाँ अंडरस्कोर फॉलो अप, अच्छा यहाँ पे हिडन करके क्यों लगाया हुआ उन्होंने, वेल पता नहीं क्यों लगाया हुआ, अच्छा अब इसको क्या चाहिए इसके अगेंस्ट इवेंट इनपुट फॉलो अप इवेंट, अच्छा ये सिर्फ इवेंट के लिए है, इंटेंट वाला फॉलो अप इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये इवेंट वाला है, इवेंट वाला नहीं चाहिए हमें, फॉलो अप इंटेंट चाहिए, तो ये फॉलो अप इंटेंट नेम जो है, हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये इंटरफेस है, इंटरफेस क्या होता है कि कहीं पे से कोई डेटा आएगा ना तो वो किस तरह का होगा, तो गूगल क्लाउड डायलॉग फ्लो V2 का जो डेटा आएगा ना इस पे हिट होगा आगे, वो कुछ इस तरह का मिलेगा हमें, सही तो उसके अंदर हमें फॉलो अप इंटेंट नेम आ तो रहा है यहाँ पे, डायलॉग फ्लो V2 फॉलो अप इंटेंट इन्फो फॉलो अप इंटेंट इन्फो करके यहाँ पे दे तो सकता हूँ मैं कुछ इसको, यार ये गूगल करते हैं थोड़ा अलग से, एक्शन ऑन गूगल रिटर्न टू फॉलो अप इंटेंट आफ्टर ये 2017 का एक ये लेकर मीडियम का ब्लॉग लिखा है मास्टरिंग फॉलो अप इंटेंट्स विद डायलॉग, ये वो 2017 है,
ऊपर पूल्स में लास्ट ईयर करके देखें। एक्चुअली ये क्योंकि वो कॉन्वर्सेशनल का नहीं होगा ना, हमारा एक्शन ऑन गूगल का नहीं होगा, ये डायलॉग टू की बात कर रहा हूँ। वही अभी अभी हम कोर्ट में जाके देख लेते हैं कि वो क्या रिपोर्ट है उसकी। सही, अच्छा कोडिंग तो इसने बताई नहीं है, इसने तो यहीं से ही बता दिया। नहीं इसने तो कोडिंग की बात ही नहीं की। ओह वो टूल्स में टॉप राइट में जो टूल्स है ना गूगल के, फॉलो अप इंटेंट, वो नाम क्या था वहां पे, फॉलो अप इंटेंट, फॉलो अप उसका इंटेंट ही और नाम है इसमें, नहीं नहीं इसमें वो ये केस फोर इंटरफेस में का फॉलो अप इंटेंट इन्फो। इन्फो, हाँ फॉलो अप इंटेंट इन्फो। और उसके नीचे एक सब सितंबर 2021 की भी कोई लिंक थी। सही है, इंटेंट का ये के एक के टिपिकल इंटरफेस है, इस तरह का होगा इंटेंट। एक इसमें फॉलो अप दिया, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप इंटेंट इन्फो, आउटपुट बट मुझे मैं इसको चेंज कैसे करूंगा, बट जस्ट मुझे ये चाहिए कि मैं इसको चेंज राइट कर में दूं। वो ब्लू है वो क्लिकेबल है वो जो हाँ, फॉलो अप इंटेंट इन्फो है हाँ। ये फॉलो अप इंटेंट का वो मजीद डॉक्यूमेंट खोल देगा जो ऑलरेडी हम अंदर देख चुके हैं। ये दो चीज़ें मुझे देनी है, फॉलो अप इंटेंट का नेम देना है मुझे और पेरेंट फॉलो अप इंटेंट का नाम देना है। ये जस्ट मैं एक भी दे दूँ तो चलेगा, फॉलो अप इंटेंट का नाम दे दूँ वो भी चलेगा, इसको मैं करूँ कैसे चेंज, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट पे ये काम पता है कैसे होता है, बहुत इजीली उसके अंदर हो जाता है। उसमें मैं ऐसे बोलता हूँ कॉन्वो डॉट फॉलो अप, और फॉलो अप बोलने के बाद ना मैं उसमें यहाँ पे उस इंटेंट का नाम पास कर देता हूँ। क्या था मेरे वाले का इंटेंट का नाम, बोलो ये कुछ सजेशन तो दे रहा है सर, यही तो नाम है ना हमारा, बुक रूम ही हम करा रहे हैं। ये कुछ सजेशन दे तो दिया है इसने कुछ सजेशन चेक कर लेते हैं, अगर चल गया तो यही वही तरीका होगा फिर यहाँ पे भी। वेल हाँ यार सही कह रहे हैं, इसको चेक करके देखते हैं। Okay, getting the test version of hotel booking. Hi. Please tell me what type of room. Express. JS, I didn't understand. Can you tell me something else? अच्छा मेरा बुक रूम ही नाम था ना उसका जिसमें मुझे वापस जाना था। हाँ नाम तो बुक रूम ही था। अच्छा बट ये नहीं चला ना, इसको नहीं समझ आया। वेल एक काम करते हैं, इस क्लास को हम यहाँ पे रोकते हैं, ये मैं एक्सप्लोर करूँगा खुद से और यहीं से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास को अपनी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है क्लास काफ़ी लंबी हो गई आज की और थोड़ा सा हम ना अभी मैं आउट हो गया हूँ मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही उस तरह से। ठीक है वेल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, बाय। सॉरी अगली क्लास लास्ट होगी। एक चीज़ और है आपकी जो मैं चाहता हूँ कि कवर हो जाए, वेल ये भी कवर हो जाए, ये जो हम कर रहे थे कंप्लीट कर लें इसको हम,
और एक चीज़ और है छोटी सी, उसको हम कहते हैं यूज़र एंटिटी। अगर वो हम कवर कर पाए तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है चलें। अच्छा वो आपको ये एक्सपोर्ट का ये देखना है, वो आप हाँ एक्सपोर्ट का देखना है, बट मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा। इज इट ओके? ओके या चलें बाय।